हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजेश चौधरी है। साइंटिफिक प्राइस सेक्शन ट्रेडिंग एंड एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं और मैं आपको वो एक वीडियो दे रहा हूँ जो किसी की हिम्मत ही नहीं होती ऐसा कुछ यूट्यूब पे करने की या दिखाने की। स्टूडेंट्स के साथ मॉर्निंग में 9:15 से लेकर के 12-1 बजे तक लाइव रहना, उनको मॉनिटर करना, एक एक सवाल का जवाब देना, वो कहाँ गलत कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना कि वो आपस में डिस्कस कर सकें किसका एनालिसिस सही है, किसकी ट्रेडिंग सही है, किसकी एंट्री सही है, किसकी एंट्री गलत है। ठीक, बहुत ही रेयर, मतलब ऐसा मैंने तो देखा नहीं कहीं, बट स्टूडेंट्स ही फीडबैक देते हैं रेगुलर बेसिस पे। मैं ऐसा कर रहा हूँ और हमेशा करते रहेंगे, तभी स्टूडेंट सक्सेस हो पाते हैं। इवनिंग में हमारी एजुकेशन होती है जो 8 बजे की बात करते हैं, 9 से ये 1 बजे तक मैंने ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि हर एक स्टूडेंट सीख सके, और जो मैं बोलता हूँ कि सिखा ही देंगे वो सिखा के छोड़ेंगे, वो बात सच होनी चाहिए, तभी बोलने का फ़ायदा है। तो रेगुलर बेसिस में रिकॉर्ड करता हूँ ताकि पर्सनल कोई बात ना करे, ओनली सिर्फ मार्केट के एनालिसिस एंड ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान दे और अपनी स्किल्स के ऊपर ध्यान दे। तो कुछ पार्ट मैंने रिकॉर्ड करके, मीन्स 4-5 घंटे की रिकॉर्डिंग आप नहीं देख पाओगे, रेगुलर बेसिस 5 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है, तो उसका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे कि आप देखें तो आपको समझ में आ गया आएगा कि सीखना क्यों जरूरी है। बिना सीखे तो बात बनेगी नहीं, नहीं सीखोगे तो आपको पता ही क्या होने वाला, इंडिकेटर किसी काम का नहीं। इवन ये प्राइस सेक्शन के जितने भी टूल्स भी, ये एजुकेशन पे एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको स्किल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट एंड ऑफ द डे जब आप पूरा सीख जाते हैं तो ओनली प्लेन चार्ट यूज करना होता है, वो स्किल्स आने की बात की बात, बट सीखना पूरा पड़ेगा। अब मैं ये बातें सब आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बता रहा सब लोग आओ और मेरे से एडमिशन ले लो, ऐसा नहीं है। क्यों? सबको मैं भी एडमिट नहीं कर सकता, क्योंकि क्वालिटी फिर खराब हो जाए, क्वालिटी मेंटेन। आप कहीं से भी सीखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एजुकेशन पर ध्यान दें। एजुकेशन, प्रॉपर मार्केट बिहेवियर को अंडरस्टैंड, देन मार्केट में प्रैक्टिस, और फिर लिमिटेड क्वांटिटी के साथ प्रैक्टिस, ताकि आपको अपनी गलतियां सीख सके। आप अगर ये खुद से कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक मेंटोर तो आपको चाहिए चाहे कहीं भी, बट वो क्वालिटी वाला। ये नहीं होना कि कोर्स फिनिश हो जाए आप वो कौन मैं कौन, ऐसा नहीं। मैं किसी भी स्टूडेंट को कोर्स फिनिश होने के बाद क्लास से हटाता हूँ, ये मेरी लाइबिलिटी नहीं है, बट एज ए ह्यूमन, एज ए फैमिली मेंबर सबको बोलता हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं किसी को भी रिमूव नहीं, जो मेहनत करेगा वो कमाएगा और बहुत अच्छा करेगा। तो स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये, ऐसी एजुकेशन है, आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। एजुकेशन फॉर स्किल्स पूरा 2 घंटे का वीडियो है, अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा, नहीं देखेंगे तो आपको देखने की जरूरत भी नहीं, आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, स्किप करके भी देखने का कोई फायदा नहीं। पूरा ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, समझ में स्टूडेंट्स क्या डिस्कस कर रहे हैं, बीच बीच में उनको मॉनिटर कर रहा हूँ, बीच बीच में आके मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। हो सकता है इसमें बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड आपको चीज़ें समझ में, हो सकता ना समझ में आए, बट बहुत बेहतरीन वीडियो, आपको पूरा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बात तभी बनेगी। और एंड में कमेंट जरूर कर दीजिए यार, अगर वीडियो अच्छा लगे, सब कुछ चीज़ें अच्छी लगी, आज एज ए फैमिली मेंबर आप मुझे मानते हैं, व्यूअर है, ठीक है, तो एज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, आप वीडियो को शेयर करिए मैक्सिमम लोगों तक, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। चलिए इसके ऊपर है तो क्या है, तो ये ऑलमोस्ट एक रेंज रेंज बन जाती है, जो मैं बोल रहा था जैसे ये ऑलमोस्ट एक रेंज बन जाएगी कि ये बेस्ट का सिनेरियो क्या है, ऑलमोस्ट ये रेंज बन गई। ये ना ऑलमोस्ट एक रेंज मिल गई, ये वाले तो ये वही वही है, ये लेवल जो 17052 बार बार बोल रहा हूँ ना, वो यही लेवल है। इसके ऊपर है ना तो एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी, इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे है तो एवरी सेल इज एवरी राइज इज सेल अपॉर्चुनिटी। कल क्या हुआ, गैप डाउन खुल के मार्केट पूरा रिकवर हो गया, बट क्लोजिंग देखो मैं क्या बोला था कल इवनिंग में, बोला था कि क्लोजिंग मैटर करेगी मार्केट की, बोला था ना जी सर, क्लोजिंग मैटर करेगी, लेकिन क्लोजिंग नहीं आई, क्लोजिंग इस लेवल के नीचे डिक्लाइन के बेसिक मार्केट न्यूज बेसिस काफी अच्छा गैप डाउन हो, काफी नीचे गया, बट क्लोजिंग उस लेवल से डिक्लाइन से नीचे नहीं आई, इसका मतलब कुछ और है ना जी सर। अगर इस लेवल, ये डिक्लाइन है प्राइस की निफ्टी की, इस डिक्लाइन के नीचे अगर प्राइस क्लोज होता है क्लोजिंग बेसिस पे, देन सस्टेन होता है, तो आप एवरी राइज इज सेल अपॉर्चुनिटी, आप दबा के सेल कर सकते हैं, तो बस क्लोजिंग बेसिस सस्टेन होना चाहिए। इसके ऊपर है कोई दिक्कत है, इसके ऊपर है प्राइस, यहाँ पे सस्टेन ऊपर है जब तक, तो अगर हमें कंफर्म ब्रेकआउट देगा तो हम बाई करेंगे निफ्टी को, सिंपल तो है, तो परफेक्ट नेकलाइन है ना। और अगर आप इसको 125 मिनट में भी देखेंगे, इसमें तो सब चलता है मेरा 125 मिनट में, ठीक है, 125 में भी आप नेट में देखोगे तो आपको एक थोड़ा तो कंफर्ट दे रहा है चार्ट, कुछ तो कंफर्ट दे रहा है कि प्राइस गिरने के बाद एट लिस्ट प्राइस ने ये कंफर्ट दे रहा है, प्राइस ऊपर गया और गिरने के बाद प्राइस ने ये लो तो नहीं तोड़ा,
नहीं तोड़ेगा? ठीक नहीं सर। है, अब इसका रिट्रेसमेंट कैसे आ गया? ऑलमोस्ट 78% है, जी सर। तो कोई बुरा थोड़ी 78%। ये आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस ने क्या क्या बना रहा है? ट्रिपल, ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ठीक है। अब ट्रिपल बॉटम है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है, सस्टेन होता है, तो इतना मार्केट गिरेगा कि अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड। बट अगर आपका प्राइस यहां से आप देखोगे तो ये कौन सा ट्रायंगल पैटर्न है? डिसेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर सस्टेन होता है, मतलब मार्केट बिहेवियर के साथ सारे पैटर्न काम करते हैं, नहीं तो नहीं काम करते। तो आपका प्राइस यहाँ पे जैसे रिटेस्ट पे आपको एंट्री मिलती है, गो लॉन्ग निफ्टी अबो 17052, 17052 के ऊपर एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी ओनली इन निफ्टी, ओके। इसके बिलो क्या करना है? ये एक ऐसा एरिया मतलब ये स्विंग्स के अंदर इधर उधर भाग जाएगा। जैसे कल मार्केट हुआ, नीचे आया ना मार्केट, बट मार्केट क्लोज नहीं हुआ उसके नीचे। ये मैटर करता, आप काफी बार देखिए, आपको मैं दिखाऊंगा, अगर काफी बार देखा तो क्लोजिंग जो है आई नहीं रही है। आप 17052 के नीचे देखो, क्लोजिंग आई नहीं रही है, आ रही है क्या? वो इंट्राडे में प्राइस नीचे जा रहा है बट क्लोजिंग नहीं आ रही, नहीं आ रही ना। इसका कुछ तो मतलब होगा क्यों नहीं आ रही, कि मतलब न्यूज बेसिस मार्केट कितना भी नीचे खुल जा रहा है, 200 300 पॉइंट 400 पॉइंट निफ्टी नीचे खुल जा रहा है, बट एंड ऑफ द डे क्लोजिंग जो है, मार्केट ओपन तो न्यूज बेसिस होता है, क्लोजिंग इंस्टीट्यूशनल करते हैं, मींस प्राइस बिहेवियर के, प्राइस ऑर्डर के हिसाब से क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग न्यूज से नहीं होती है। जी ना, कि जब कल मार्केट, मैंने ये एग्जांपल दिया था कि मार्केट गैप डाउन खुल गया, ठीक है, गैप डाउन खुलने के बाद प्राइस तो जंप कर गया ना, ऑर्डर प्राइस नीचे जंप कर गया, तो प्राइस को पहले अपनी ओरिजिनल सिचुएशन पे आना पड़ेगा। ओरिजिनल सिचुएशन क्या थी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग? जो गैप था वो गैप फिल होगा, उसके बाद मार्केट डायरेक्शन तय करेगा कि आपकी अगले दिन की क्लोजिंग क्या उस लेवल के नीचे आती है या उसके ऊपर आती है। तो ये आपके ऊपर के लेवल से ठीक है गिर रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि काफी प्राइस गैप से खुला और गैप भी है, और प्राइस तो ऐसे ही चलता है, मतलब ऊपर खुल गया, ज्यादा ऊपर खुल गया, फिर नीचे चला जाएगा, यहाँ आ गया फिर ऊपर चला जाएगा, इसका ब्रेकआउट होगा फिर ऊपर चला जाएगा, प्राइस तो ऐसे ही चल रहा है। इसी हिसाब से हमें रेंज के हिसाब से यार ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मीन्स एक ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करना है, प्राइस ऐसे ही चलता है, इसमें कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, होनी चाहिए क्या? नहीं सर नहीं। ठीक है, तो प्राइस ऊपर खुला, ऊपर खुल के वो गिर रहा है, ठीक है, गिर रहा है, तो हमारे एंट्री के रूल के अकॉर्डिंग हमें तो एंट्री मिली हुई है, हमारी तो एंट्री चल रही है ना, या नहीं मिली एंट्री? अब एंट्री मिल गई तो अभी प्राइस क्या, अभी नेकलाइन के पास आ रहा है, अगर नेकलाइन के पास सपोर्ट रिएक्ट करेगा तो हमारे टाइम जोन के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड मिलेगा तो हम ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो हमारा ट्रेलिंग तो चल ही रहा है अभी। समझ में आ रहा है मैं क्या करूं? यस सर जी। चलो अब आप डिस्कस कर लो, बीच बीच में मैं बताता रहूंगा, आप करते रहो, ठीक है। निफ्टी का ये अच्छे से एक्सप्लेन हुआ, क्योंकि बाकी तो सबको पता है ना, निफ्टी तो मंथली वीकली में तो साइडवेज है, 2000 पॉइंट के रेंज है, ठीक है। बाकी निफ्टी में तो कुछ कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए ना। अभी इस वीक क्या करो, इस वीक पूरा एनालिसिस सुधार लो, हर अपना अपना एनालिसिस पूरा कंप्लीट, कि आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाले होने वाले कौन से स्टॉक है, वो 4-5 या 6-7 निकलेंगे, और जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो चुके हैं, जो ट्रेंडिंग है, उसमें डे ट्रेडिंग कर लो, जो उसका प्रोसेस तो पूरा बता ही दिया ना। बाकी जो वीडियो सैटरडे को एक साथ ही सब लोगों को दे दूंगा, मैं सोचा बीच बीच में देने का फायदा नहीं है, सैटरडे को सब लोगों को एक साथ दे दूंगा, वो कर लो। बाकी कुछ भी आप गलत कर रहे हो तो मैं आपको सुन ही रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पे है सारा, कुछ भी गलत करोगे तो उसी टाइम कोई भी हो चाहे वो, मैं उसको टोक दूंगा, क्योंकि सिखाना है ना, गलत करना तो उसको जबरदस्ती तारीफ करने का फायदा नहीं है ना, तो उसका उसका फ्यूचर खराब होगा, उससे किसी की तारीफ नहीं करनी ना, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, चाहे मैं हो चाहे आप हो, उसमें क्या करना है? जी सर, उसमें न्यूट्रल रहना, सिखाने के मामले में न्यूट्रल रहना, चाहे वो कोई भी हो, सिखाना सबको है, ठीक है। आप डिस्कशन कर लो फिर मारो। यस सर।
कोई है अभी किसका एनालिसिस करेंगे स्टॉक? टाटा स्टील का. टाटा स्टील का ओके. हेलो हेलो. हाँ बोलिए. कोई बोलना है अभी? टाटा स्टील कोई तो बोलने वाला था. कोई एक्सप्लेन करो आपका जो भी है जिसका भी वो है. अभी 80 जन है 78 जन है यार कोई भी नहीं बोल रहा है. इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया सर ने. बात करना चाहिए ना अपना अपना एनालिसिस बताना चाहिए ना तो सब लोग देखेंगे कैसा है. कोई बोल रहा था टाटा स्टील का. टाटा स्टील तो सेल में था. ठीक है इसकी रेंज है ये 1167 से लेकर के 1239 तक मंथली. ठीक है ओके. हां एक्सप्लेन आगे आगे एक्सप्लेन करिए. मंथली में तो 1450 तक रेंज है इसका 50-55 तक. सर कौन सा स्टॉक आप डिस्कस कर रहे हो? ये टाटा स्टील. ठीक है सर. टाटा स्टील में क्या कौन सा रेंज बताए आप? मंथली में गया है ना तो जो हाई है 1481 तक गया है वो. हाँ वो हो सकता है लेकिन मैं फिलहाल करंट जो रेंज मेरे हिसाब से है वो मैं बता रहा हूँ. ये इसमें चूंकि ये देखिए 1239 जो है उस पर 3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है और 1 बार सपोर्ट भी ले चुका है. मुझे लग रहा है 1066 से 1232. हाँ वही सेम वही मैं कह रहा हूँ. 1239 में बोल रहा हूँ आप 1232 बोल रहे हैं तो ठीक है. और 1166 से लेकर है नीचे. ठीक है हम देखेंगे तो. हाँ सही कह रहे हैं. मैं मुझे बोलने में असल में गड़बड़ हो गया. वो सही कह रहे हैं. 1050 से लेके 1250 तक उसका रेंज है. हाँ इसी के आसपास सही है. इसमें वीकली में तो ये देखो 22 नवंबर से लेके पूरा साइडवेज है टाटा स्टील. मतलब ऑलमोस्ट दो चार वीकली में साइडवेज.
12-15 कैंडल, मतलब ऑलमोस्ट 2-3 महीने से तो नवंबर में, मतलब 2-3 महीने से तो साइडवेज ही है. ओके बिल्कुल. इसका अगर फ्रेश रेंज ब्रेकआउट हुए 1250 के ऊपर, 1250 के ऊपर हम लोग बाय के लिए जा सकते हैं, नहीं तो ये साइडवेज ही जाएगा. राइट, साइडवेज ही लग रहा है पूरा. हाँ वैसे सही है, 1250 के लिए फ्रेश बाय के लिए जाया जा सकता है वीकली बेस पे. अभी कोई तो बोल रहा था ट्रेडो सेल भी जा रहा है बोल रहा था कोई तो. नहीं सेल मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो ब्रेकआउट जैसे सर सिलेक्शन कहते हैं ना स्टॉक सिलेक्शन, तो उस बेस पे मैं कह रहा हूँ कि सेल ऑन राइज है वो मैं कह रहा हूँ. तो अभी तो मंथली वीकली पे ये साइडवेज है. हाँ वो आप एक्सप्लेन करें ना, कहाँ पे कौन से लेवल पे डे बेसिस पे देखें तो 1-2-3-4-5-6 दिन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे दिया है, कल ही दे दिया डे बेसिस पे, और 9 AMA के भी नीचे है, तो इसलिए मैं इसको सेल ऑन राइज सर के सिलेक्शन के अनुसार, स्टॉक सिलेक्शन जो ट्रेंडिंग बात करता है ना, तो उसकी उसके बेस पे मैं कह रहा हूँ कि ट्रेंडिंग है और सेल ऑन राइज. प्रथमेश भाई जी, आलोक जी बोलिए ना आपका जी, मैं तुम एक्सप्लेन कर दिया इतना ही तक है. ये जो 5-6 दिन का रेंज था डे बेसिस पे, इसको ब्रेक डाउन कर दिया है इसने, इसलिए मैं इसको सेल ऑन राइज में रखा. ठीक है, वीकली में बोल रहा हूँ, डेली 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 में आ गए ना, मैं उनको वीडियो का बोल रहा था इसलिए जाने डेली में हायर हाई बना रहा है ना आज, फिर आज टाटा एक्सचेंज फिर से हायर हाई में ही आ गया है, डेली में बना रहा है ना हायर हाई. हायर हाई कहाँ बना रहा है, सब डेली में तो हायर लोज बना रहा है. ओ, वेव आ रही है ना नीचे से, हम देखेंगे इस नवंबर से देखेंगे तो वेव ऊपर जा रही है. ठीक है, टाटा स्टील की बात कर रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी हाँ, 11 फरवरी से नीचे ही आ रहा है साइडवेज, अभी कल तोड़ा है इसका सेल तो उसके बाद 17 जनवरी को हाई मारा एक. ठीक है, एक मिनट आराम से चलिए, मैं थोड़ा देखते जाऊं आप क्या कह रहे हैं. 13 दिसंबर, हाँ 13 दिसंबर का जो हाई है. ठीक है, हमको नीचे से भी देखना है ना कि वो हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है, वो भी देखना है. नहीं तो ये तो मिसकंसेप्शन है सर, जैसा बताते हैं कि जब ट्रेंडिंग स्टॉक हमें ढूंढना है तो ये देखना है कि लास्ट 2-3 कैंडल्स का जो ब्रेक डाउन हुआ है कि नहीं, और 5-6 दिन से. मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर डेली सुन लीजिए मैं फिर डेली कहा, वही मैं डेली का बता रहा हूँ कि डेली में अगर 2-3 दिन का कैंडल का ब्रेकआउट दे दिया या रेंज का ब्रेकआउट दे दिया, That is trending stop, sir can start. बाकी अगर कोई other views हो तो आप बताएं. नहीं हमको daily का भी, हम जो higher high अभी जो ये 13 दिसंबर का high है, ठीक है? आप देखिए एक बार. Trending ढूंढने के लिए उतना पहले नहीं जाएंगे मेरे ख्याल से. नहीं हमारा जो type one को जो day का जो अगर आ गया support, तो हम उस दिन हम buy के लिए एक अच्छा trade ले सकते हैं, इसलिए मैं देख रहा था. अच्छा हाँ, तो इस आधार पे हो सकता है. हाँ, तो आप क्या कह रहे हैं, 13 दिसंबर से आप चल रहे हैं? हाँ, 13 दिसंबर का जो हाई मारा है. हाँ जी, फिर उसके बाद 17 जनवरी का है. एक मिनट देखने दी, 17 जनवरी डे पे आप बता रहे हैं ना? हाँ, 13 दिसंबर का आपका हाई मारा है. आप ये कह रहे हैं स्विंग हाई की बात कर. हाँ, स्विंग हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है, जैसे अपना की जोन पे अगर आया सपोर्ट
डायनामिक सपोर्ट पे या तो अच्छा एक ऊपर के साइड मुंह आ सकता है, नहीं तो अभी तो हायर हाई बन रहा, 3 हो गए हायर हाई, तो हम अप ट्रेंड कंफर्म हो गया ना डेली का, मतलब ये बोल रहा हूँ वो भी देखना है ना हमको। तो डायनेमिक सपोर्ट कौन सा लेवल है इसका, डायनेमिक सपोर्ट कौन सा बता रहे हैं लेवल बताइए। हमारा डायनामिक सपोर्ट तो इधर नीचे ही है, लेकिन ये अपना सपोर्ट भी तो नहीं वो कर रहा है, सपोर्ट वही आ रहा है बार बार, 10.65 के पास बार बार आ रहा है, उसी के आसपास 1060-1080 के बीच में सपोर्ट आ रहा है उसका। अच्छा सा और ये इसमें एक डिसेंडिंग जो ट्रेंड लाइन बनी है ना उसको भी अभी ये ब्रेक कर रहा है और नीचे उसका वीकली सपोर्ट के पास भी है वो, तो अभी पता नहीं वो नीचे जाएगा, लेकिन क्योंकि इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है अभी साइडवेज का। अगर हम देखेंगे क्या, लेकिन अगर ट्रेंडिंग स्टॉक सिलेक्शन करना है जैसा सब बताते हैं तो उस बेस पे इसको हम किस में रखेंगे, ट्रेंडिंग में रखेंगे कि नहीं, कल के जैसे कल की ट्रेडिंग करनी हो डे ट्रेडिंग, ये मतलब बीते हुए कल में हम सिलेक्ट कर रहे हैं कल की जो ट्रेंडिंग रखेंगे उसके हिसाब से। तो इतने जो 15 फरवरी के जो कैंडल है उसको तो थोड़ा ब्रेक कर दिया है उसने डाउनसाइड में। नहीं ये क्या रिटेस्ट होने आया ना, ये जो वही जो आप बोल रहे हैं ना रिटेस्ट, तो ये वीकली सपोर्ट है वहां पर, लेकिन ये फिर भी नीचे अगर गया जो कि वो बार बार 1065 पे जो सपोर्ट ले रहा है ना वो, अगर वो भी अभी वीक हो चुका है, अगर उससे नीचे जाता है तो वो ऊपर ही जा रहा है 1 फरवरी से। आप देखेंगे 1 फरवरी से वो ऊपर ही कैंडल बनते बनते हुए गई, फिर वो जो एक उसका प्रीवियसली हाई था उसको भी हाई तोड़ के वो अब नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अब ये रिटेस्ट लेने के लिए आ रहा है, जो सर बताते हैं कि जो जंप करके एक बार प्राइस ऊपर चला जाता है तो फिर क्या वो रिटेस्ट लेना आता है वापस। आप सिर्फ हायर हाई देख रहे हैं लेकिन आप नीचे सपोर्ट पे नहीं देख रहे, क्योंकि वो एक ही रेंज में सपोर्ट के लिए आ रहा है, तो वो आप उसको हाई कैसे बोल सकते हैं, ये ऊपर कैसे जा रहा है, ये तो साइडवेज ही चल रहा है। आलोक जी थोड़ा सा समझा दीजिए, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। आलोक जी अभी बिजी है कुछ काम के लिए। अच्छा, गए विक्रम जी है क्या, कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं? ये टाटा स्टील ऊपर हायर हाईज बन रहे हैं बट नीचे तो सपोर्ट एक ही जोन पे आके एक ही जगह पे आके रुक रहा है बार बार, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। मेरे लिए बाय ऑन डिप्स है पहले बात तो, अब वही तो बोलो। और कहां एक जगह पे वो 1050 से लेके टोटल रेंज 1400 तक है, 1460-1500। अब मार्केट के हिसाब से अगर उसमें काम करना है तो आई विल लाइक टू वेट टिल 1060-1075। ये बीच में थोड़ा गड़बड़ कर सकता है क्योंकि ये कंसोलिडेशन बीच में करके फिर 125 में देखता हूँ। हाँ वही कह रहे हैं, तो क्या इसमें सेल ऑन राइज होगा? नहीं ये ये एक्चुअली यहाँ पे भी परफेक्ट अगर इंट्राडे में करना है तो 1120 के ऊपर ये अच्छे से बाय ऑन डिप्स बनता है। विक्रम जी एक बात बोलो, और ये 1120 ये सपोर्ट लिया है। हाँ बोलिए। ये 1140 के नियर अबाउट स्टैटिक डायनामिक में एक छोटा सा सपोर्ट बन रहा है, ये सपोर्ट है या अभी जहां पर 1110 और 1120 मतलब 1100 का बनता है उसका एक छोटा सा जोन, वहां से कर सकते हैं बाय, बट ये मेरे लिए बाय ऑन डिप्स ही है। जी जी तो मैं इसमें सिर्फ बाय की अपॉर्चुनिटीज देखूंगा।
जब इसमें बाय के अपॉर्चुनिटीज दिखेंगे, पैटर्न वहां बनेगा तो मैं पोजीशन लूंगा, नहीं तो मैं अगर मिस हो गया तो मिस हो गया, कुछ नहीं ले सकते। विक्रम जी, अगर इसमें डे ट्रेडिंग करनी है तो डे ट्रेडिंग के हिसाब से बाय ऑन डिप्स कैसे बन रहा है? इसमें तो सेल ऑन राइज बन रहा है ना, क्योंकि एक ट्रेंडिंग स्टॉक हो रहा है। को थोड़ा क्लियर, बट अभी तो ये अपने सपोर्ट के ना पास है ना, सपोर्ट तोड़ेगा तो हम उसको सेल ऑन राइज करेंगे। अभी जो लास्ट सपोर्ट, एक मिनट, जो लास्ट सपोर्ट 27 जैन को लिया था, वहां से आप फिबोनाची लगाइए। बाय ऑन डिप्स मतलब सर ने बोला है, फिबोनाची भी तो देखना है ना आपने, वो देखिए 61% पे बराबर अटका हुआ है वो। राइट राइट राइट, तो वहां पे 1140 है, यहां से आप अगर पोजीशन, आपको अगर अच्छी कैंडल्स पैटर्न्स बनती है बुलिश वाली, जैसे हमारी एंट्रिंग है, तो आप वहां पे पोजीशन ले लीजिए और आपका स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा। टारगेट कम से कम हाई तक का तो मिलेगा, 1250 तक का, फिर उसके ऊपर तो उसके ऊपर के 250 पॉइंट्स है। और अगर आप देखेंगे तो 1150 पे उसने ट्रिपल बॉटम बनाया है, उसके बाद वो बाहर निकला है। ये दिस इज द परफेक्ट स्पॉट, दिस इज कॉल्ड द गोल्डन, दिस ये जो हुआ है ना अभी, इसको कहते हैं गोल्डन रेशियो। ये बराबर गोल्डन जोन पे है, यहाँ पे तो रिस्क बनती है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है यहाँ पे। एक अच्छा स्विंग ट्रेड मिल सकता है ना सर इधर? यस यस, हाँ वो तो बोल रहा हूँ मैं, हाई हाई बन रहा है, हमको वो भी देखना है ना बड़े टाइम फ्रेम में। सब लोग सपोर्ट की बात, फिबोनाची के बेस पे ये सपोर्ट बन रहा है इसका। हाँ तो अभी और हाँ, अगर आप देखिए सपोर्ट के बाद अगर 125 में आप एनालिसिस करें छोटे टाइम फ्रेम के लिए, जैसे आपको डे ट्रेडिंग करनी है तो 2 स्विंग तो हो गए हैं उसके। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, हो गया है, खाली क्या है वो ऑल द वे लो तक आके फिर ऊपर है, बट वो तो कंडीशन आई थिंक इज ओके राइट? यस, बिना लो तोड़े वापस ऊपर चला गया है वो, तो ये तो मतलब कंफर्म अप ट्रेंड में घुस रहा है। तो यहाँ पे मेरा एनालिसिस ये कहता है मुझे, अगर सर हो तो सर थोड़ा सा इसमें जब आएंगे तो उनको पूछेंगे, बट मुझे ये बाय ऑन डिप्स ही लग रहा है। बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स पोजिशनल 50 के आसपास। इंट्राडे में आपको यहाँ पे आज अच्छा लग रहा है मुझे, और उसके बाद स्विंग ट्रेड भी, ये स्विंग में भी सब ये सारा कुछ इधर बन रहा है, इंट्राडे स्विंग और पोजिशन के भी चली गई है, जो कैश में लेना चाहते हैं वो तो पोजिशन चली गई है, बट फिर भी ज्यादा दूर नहीं है उससे वो। हाँ ज्यादा दूर नहीं है, सही है। विक्रम जी, आपने फिबोनाची 2 आवर्स के हिसाब से लगाया 27 जैन से, राइट? मैं सही हूँ? हाँ, 125 मिनट्स के हिसाब से लगाया है। ओके, 27 जैन से आपने लगाया ना, मतलब मुझे लास्ट स्विंग देखना है ना अभी फिलहाल, तो लास्ट स्विंग सबसे बड़ा वही है। ओके ओके सर, राइट। और एकदम बड़ा वाला देखेंगे तो बड़े वाले में जो हम लास्ट कंसोलिडेशन है वहां से जो उसकी बड़ी वेव बनी है वो है 28 जुलाई, जो कैश में लेना चाहते हैं ना, तो 28 जुलाई से अगर आप देखेंगे तो ये फिर से ये 50%, और जो ये 1150 की लेवल आ रही है, अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, तो अभी तक तो अपने पूरे रिट्रेसमेंट तक आया भी नहीं है वो, और यहीं पे सपोर्ट ले रहा है जो उसका डायनेमिक सपोर्ट है। ये जो 1150 है उसका डायनेमिक है ना, am I right? Right, 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 sir. 1150, 1160 तक मतलब अच्छा वाला सपोर्ट है इसका। हाँ, सॉरी कौन बात कर रहे हैं? विक्रम जी, प्रथम बोल रहा हूँ। हाँ ब्रो, तो यहाँ से जो हमें मिल रहा है ये जो अभी जो ये जो लास्ट 125 वाली वेव है इंट्राडे के लिए अगर हम देखेंगे तो लास्ट जो 125 वाली जो वेव है उसका बराबर 61% पे है ये 1140 पे। तो यहाँ पे अगर आपको अच्छा एंट्री मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, ये मेरा एनालिसिस मुझे कह रहा है, अगर किसी का कुछ डिफर कर रहा है तो प्लीज बताइए। नहीं नहीं सर, मेरा भी सेम ही आपके जैसा है। नहीं नहीं, और ऊपर भी टेस्ट हो चुका है ना ये लेवल जी, वापस क्योंकि ऊपर भी लेवल पे टेस्ट हो चुका है ना, जहाँ पे ये हम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वो लेवल टेस्ट हो चुका है ना, जहाँ डेट है 20 सितंबर जो लेवल है।
कौन सा डेट डेट क्या है 20 सितंबर जो रेड कैंडल एकदम बनी है और ये अभी 20 सितंबर हाँ डेली का 20 सितंबर तो उसका क्या हो गया 1240 है वो तो 1260 है हाँ मतलब वो लेवल अभी ये जो वापस ऊपर जाता है तो ये हाँ तो बट वहाँ पे भी तो यहाँ से 100 पॉइंट है हाँ तो यहाँ पे अगर पोजीशन बढ़ी तो वहां तक तो खेल ही सकते हैं इसका पूरा रेंज है 1150 से लेके 1460-1500 तक इसका मिड पॉइंट बन रहा है 1250 तो अगर हमें लोअर एंड पे मिल रहा है तो ये तो मिस हो गया हमने 27 जैन को इसमें पोजीशन स्विंग या पोजीशन की ट्रेड बनती थी वहां पे करनी चाहिए थी और एकदम ही इंट्राडे के लिए है और अगर यहाँ पे बन रही है तो ये जो गैप है 1180 तक का गैप है तो उसमें 1:2 का रेशियो बनता है बट मार्केट भी उसके लिए सपोर्ट करना चाहिए थोड़ा निफ्टी को ध्यान देके ही करना पड़ेगा नहीं तो ये अगर निफ्टी गिर गई तो फिर ये वापस अपने जोन में नीचे आएगा तो वहां पे तो हमें 100% बाय करना है तो जितने कहते हैं बनती हुई रेड कैंडल ग्रीन बन जाएगी वहां पे तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनता है ना तो छोटा सा स्टॉप लॉस से आप ट्रेड भी कर सकते हैं विक्रम जी मैं नवीन बात कर रहा हूं सर आप हैं हेलो हाँ बोलिए मेरे को ये जो एनालिसिस करते हैं मंथली वीकली और डेली बाद में 125 मिनट्स का अगर हम एक नया स्टॉक लेते हैं तो उसका कैसे करना चाहिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर कुछ बता सकते हैं आप नहीं मैं समझा नहीं आपने वीडियो देखा नहीं क्या नहीं वो वीडियो मिस हो गया था तो आपको एक बार सर को बोलना चाहिए बट प्रोसेस तो पहले मंथली देखना है फिर वीकली देखना है फिर डेली देखना है और फिर 125 मिनट देखना है वैसे आप पहले एनालिसिस करेंगे ट्रेंड लाइन बनाना तो आपने देख लिया ना कैसे बनाना ट्रेंड है ट्रेंड लाइन बनाना आता है और ये ट्रेंड लाइन बनाना है उसके बाद उसके स्टैटिक डायनेमिक मार्क करने हैं ठीक है अगर टाटा स्टील को अगर आप डेली हिसाब से देखेंगे तो इट इज मेकिंग लोअर लोस कहां वीकली में कहां लोअर लोस ज्यादा बन रहे हैं अभी तो वो अपने सपोर्ट पे आ रहे हैं ना टाटा स्टील डेली 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 में सर विक्रम जी इनका व्यू ना सेल के लिए था अभी राइट ना आपका ही व्यू था सेल के लिए मेरा कोई भी व्यू नहीं है मैं सिर्फ समझना चाहता हूँ क्या करना चाहिए क्योंकि पिछले 5-6 दिनों से वो नीचे गिर रहा ही है क्लोजिंग नीचे ही हो रहा है बिकॉज निफ्टी वीक है ना अभी फिलहाल वो निफ्टी का स्टॉक है फाइन दैट इज ओके लेकिन द ट्रेंड इज नेगेटिव राइट Yeah, for a short term, it is showing negative, but it has finished its move. Now, if you see in daily, it has done 2 swings and is now ready to go in the short term to the upside. अभी अभी आप देख रहे हैं lower lows बन रहे हैं क्या?
सर मैं आपका थोड़ा पॉइंट समझ गया, क्या पता है आपने डेली में देखा है, देखो आपको पहला वीकली बड़ा टाइम फ्रेम भी देखना है पहले, मतलब मंथली वीकली क्या करता है उसके हिसाब से जाना है। डेली भी देखेंगे तो भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ ही जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट उनको थोड़ा मतलब सेलिंग का लग रहा है ना व्यूज के लिए, बिकॉज इट वाज इन अ नेगेटिव ट्रेंड बट इट हैज फिनिश्ड इट्स मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जहां पे उसका डायनेमिक सपोर्ट है वहां पे उसने वो डायनेमिक सपोर्ट तो तोड़ा ही नहीं, राइट और उसके बाद दो स्विंग बना के इट हैज शोन दैट इट वांट्स टू गो अप, सो वी हैव टू बी रेडी फॉर बाय ऑन डिप्स। बराबर है ना? सॉरी कौन बात कर रहे थे मेरे साहब? मैं नवीन बात कर रहा हूँ। हाँ नवीन जी, समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे तो मुझे ऐसा लगता है, और हम फिर से सर के साथ कंफर्म करेंगे, ठीक है? मेरी एनालिसिस मुझे जो कहती है कि ये डाउन ट्रेंड में था, मैं मना नहीं करता हूँ, बट ये डाउन ट्रेंड में था 18 अगस्त से लेके 1 दिसंबर तक, उसके बाद इसने लो बनाना बंद कर दिए, इसके बाद इसने 2 स्विंग्स बनाए हैं, उसके बाद थर्ड स्विंग में वो सेकंड हाई भी तोड़ दिया है, तो 3 स्विंग तो हो गए। हाँ, द लो इज द सेम विच इज अराउंड 1050, सो आई विल कंसिडर दिस टू बी इन माई बाइंग लिस्ट, एंड बाइंग ऑन डिप्स इज मच बेटर, बट वी हैव टू कंसिडर द ओवरऑल सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट बिफोर वी ट्रेड इन टाटा स्टील ना, वो भी थोड़ा बहुत पूरा का पूरा नहीं, बट हम सिर्फ प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे। तो मेरे लिए तो ये बाय ऑन डिप्स बन रहा है परफेक्ट, जब तक ये 1050 के ऊपर है तब तक तो मैं इसको बाय ऑन डिप्स ही करूंगा। ओके सर, ओके, गॉट इट ना, गॉट इट। मतलब मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो बाकी को कैसे लग रहा है। नहीं सही है सर, आई गॉट योर व्यू पॉइंट। तो यू नो व्यू पॉइंट तो हमें अपने लेवल्स पे आने के बाद वी हैव टू बी रेडी टू चेंज ऑल्सो ना। ये अगर हम सेल ही सोचेंगे तो क्या ये सेल हो, ये टाटा स्टील ऐसी कंपनी है क्या कि वो जीरो की तरफ जा रही है? ऐसे तो मंथली वीकली देख के लग नहीं रहा है, वो तो पॉजिटिव ट्रेंड में है। जी जी, तो जब तक वो है तब तक तो हमको वी हैव टू बी लुकिंग एट द कंपनी, वी हैव टू बी पॉजिटिव ना, कि नहीं अभी तो ये अपने सपोर्ट पे आया है अच्छा वाला, तो वी वेट एंड सी इफ इट इज शोइंग अस सम साइंस ऑफ पॉजिटिविटी विच इट हैज ऑलरेडी। So if it has, then I want to be in the buying side and not in the selling side. Yes, intraday में आपको opportunities छोटे-छोटे 125 मिनट के हिसाब से you can trade on the small downside, keeping Nifty in mind all the time. Yes, if I take a position here from this 125 minutes static dynamic, then I may get till here. So आप वहाँ पे 1:1, 1:2 के trades ले सकते हैं. But long term perspective और अभी long term और अभी medium term भी दोनों अभी पॉजिटिव साइड में है, लॉन्ग टर्म तो पॉजिटिव है बट मीडियम टर्म भी अभी पॉजिटिव बनने की कोशिश कर रहा है। सो अभी जैसे सर ने निफ्टी की एनालिसिस की थी कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है, बट अगर 1752 के ऊपर अगर ये निकल गया तो आप सोचिए ना, ये निफ्टी में से कौन से स्टॉक्स हैं जो अपने सपोर्ट पे हैं? तो टाटा स्टील उसमें से एक है, और ये तो आपको पता है हाई बीटा है, तो कैसे भागता है? ये भागेगा तो सीधा अपना 1250 पहले पहुंचेगा, उसके बाद सीधा 1500। सो उस हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो आपको वी हैव टू ऑलवेज वेट फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड नॉट सेलिंग, बिकॉज़ सेलिंग ठीक से हो नहीं रही है उसमें। हो रही है, आपको रेड कैंडल्स दिख रहे हैं, बट आप इंट्राडे में देखिए कितने रेड ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं। जो 20 अगस्त से लेके 1 दिसंबर तक के जो थे वहां पे देखिए आपको कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड मिला है, मतलब आपको एक साथ 4-5 कैंडल्स मिले हैं। हेलो हेलो, राइट राइट सर, राइट सुन या। सो नाउ मुझे ये बाय ऑन डिप्स है, तो हम एक बार सर आएंगे तो उनके साथ फिर से कंफर्म करेंगे। विक्रम जी आप मॉर्निंग से थे क्या ज्वाइन यहाँ पे? मैं थोड़ा 5-7 मिनट लेट था, बट मैं सुबह से हूँ। आपने कुछ निकाले थे क्या आज स्टॉक्स कल मतलब ट्रेडिंग के लिए? नहीं देखिए, मैं थोड़ा सा आई एम वेटिंग एंड वॉचिंग, बिकॉज ये सारा कुछ जो हो रहा है ना ये सब न्यूज बेस्ड चल रहा है, इसमें ट्रेड्स आ रहे हैं।
छोटा ट्रेड वो लिया था सुबह वाला, क्योंकि वो मेरे सेलिंग जोन में था, बस उतना ही किया है मैंने अभी तक, मैंने बाकी दूसरा कुछ किया नहीं है। बिकॉज ये न्यूज बेस, जब तक ये न्यूज डाई डाउन नहीं हो जाती ना, हमें एंट्रीज ठीक से मिलेंगी नहीं, और मिलेंगी तो इट विल बी टू लेट, एंड बाय द टाइम वी टेक द एंट्रीज इट विल नॉट गिव अस दैट रिस्क रिवॉर्ड। तो थोड़ा जैसे सर ने बोला, आफ्टरनून इवनिंग सेशन में, आफ्टरनून और लेट आफ्टरनून सेशन में ही देखना है कि क्या हो रहा है। और अभी बिकॉज ये जियोपॉलिटिकल न्यूज है जो पूरे वर्ल्ड मार्केट को अफेक्ट कर रही है, तो मैं थोड़ा इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ इंडेक्स देख रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो अगर मुझे इंडेक्स में अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं वहीं पे करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। बिकॉज कुछ भी ये रशिया को लेकर हो जाती है तो ये पूरा मार्केट को ही अफेक्ट करेगा एक साथ, सही है। अपसाइड और डाउनसाइड। और दूसरा आप इंडिया विक्स को भी देखेंगे तो बहुत हाई है, तो जो भी मूवमेंट्स होंगे इंडेक्स में काफी लार्ज हो सकती हैं। सो इंस्टेड ऑफ यू नो फोकसिंग ऑन नॉट अदर स्टॉक, आई थॉट आई विल जस्ट फोकस ऑन इंडेक्स फॉर अ फ्यू डेज, और फिर अगले हफ्ते से जब ये सब न्यूज डाई डाउन हो जाएगी फिर आई विल कम बैक टू दैट, बिकॉज़ वो स्टॉक्स ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं। आप देखिए ना, आप सब डिस्कशन कर रहे हैं, आपको आधे से ज्यादा तो सारे साइडवेज ही दिख रहे हैं। यस यस, एक्चुअली भी मार्केट का साइडवेज ही है ना इसके लिए। हां, एक मारुति छोड़ेंगे और ये, क्योंकि ये गैप अप गैप डाउन के चक्कर में ना वी आर नॉट एबल टू टेक द पोजीशन, तो पैसा दांव पे लगाना इज नॉट अ गुड आइडिया मेरे हिसाब से। तो मैं रुका हूं कि ये कुछ इंडेक्स में मिल जाएगा तो एक ही चीज को हम लोग, मतलब मैं फोकस कर सकता हूँ। तो मैंने अभी सुबह से तो सिर्फ एक ही एक निफ्टी का ट्रेड लिया, अभी तक मैंने दूसरा कुछ लिया नहीं। आई एम वेटिंग फॉर पास्ट वन अपना 1120 या बाद में 135 के बाद अगर कुछ मिला तो करेंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे दिन को, और क्या। आवाज नहीं आ रही यार, क्या हुआ, मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है, आ रही आवाज सर। अभी जस्ट बंद किया, अभी एक 10 सेकंड हुए हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, वो कौन कर रहा था निफ्टी का गिरने वाला है? मैंने तो नहीं कहा सर। नहीं, आपने नहीं कहा, किसी ने कहा। यहाँ पे जूम पे मैसेज डाला, मैंने बोला ऐसे मैसेज मत डालो, ये देखो अभी लिखा हुआ, आपको दिख रहा मैसेज? हां, यादव ने कहा था सर। मैसेज दिख रहा आपको सबको? मार्केट गिरने वाला है, मैसेज दिख रहा सबको या नहीं दिख रहा? दिख रहा सर, राम यादव करके लिखा है उन्होंने। ऐसे नहीं, ऐसे मार्केट को प्रॉपर एनालिसिस करो, प्रॉपर चीजों को समझो यार, ऐसे कैसे गिरने वाला है, कहीं से कुछ भी गिरा दोगे। गिरा तो नहीं, क्यों नीचे से ऊपर वापस भाग गए निफ्टी? आपके सामने है ना जब मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अच्छा तो बताओ क्या डिस्कस किया? मैं तो थोड़ा वॉकिंग करने चला गया, ज्यादा देर बैठे रहने से वो ना पैरों में दिन होने लगती है, तो थोड़े दिन वॉकिंग करनी है, थोड़े दिन बाद सही हो जाएंगे, मैं लगता है 15 दिन के अंदर फिट हो जाऊंगा। हाँ, तो क्या डिस्कशन हुआ था? विक्रम जी ने क्या क्या सिखाया सबसे पहले तो वो बताओ मुझे। सर सिर्फ टाटा स्टील डिस्कस किया है, उनको डेली में प्रवीण जी को कुछ डेली में उनको नेगेटिव बोल रहे, वो सेलिंग माइंड से उस पे देख रहे थे, और मैंने कॉन्ट्रडिक्ट किया, मैंने कहा नहीं मैं तो बाय ऑन डिप्स के लिए हूँ, क्योंकि उसका डाउन ट्रेंड, मैं अग्री करता हूँ डाउन ट्रेंड था, और उसके बाद अभी ये उसके दो स्विंग्स के साथ अपने अच्छे डायनेमिक सपोर्ट से वो मीडियम टर्म में फिर से पॉजिटिव हो गया है। okay. तो मैं बाय ऑन डिप्स में ही हूँ उसमें, ऐसे मेरा व्यू था। तो मैंने कहा जब सर आएंगे तो उनके साथ डिस्कस करेंगे कि ये सही है या गलत। निफ्टी को कौन चलाते हैं स्टॉक्स? ठीक है, मैंने भी वही बोला था अभी, टाटा स्टील के। और मेजर 10 स्टॉक कौन से हैं जो आपको मैं बता चुका हूँ, जिसका मार्केट कैपिटल वाइज ठीक है सबसे ज्यादा निफ्टी में पार्टिसिपेशन है उसका, ठीक।
तो उन उन 10 स्टॉक का अगर चार्ट आप देखोगे तो चार्ट करा बाय ऑन डिप्स, ये करा होगा मेरे हिसाब से तो उन 10 स्टॉक्स का। इवन अल्ट्राटेक सीमेंट भी सपोर्ट पे आ गया, मंथली के सपोर्ट पे आ गया। तो अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड मीन जियोपॉलिटिकल कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं होता है, ठीक है, 17052 को निफ्टी होल्ड करता है ऑन क्लोजिंग बेसिस, इंट्राडे बेसिस में तो कई बार नीचे गया लेकिन क्लोजिंग तो उसके नीचे नहीं आई, नहीं आई ना, यस सर 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे मान के चलो, वो क्लोजिंग बेसिस पे कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लोजिंग किसी भी टाइम नीचे नहीं आई, हमेशा ऊपर ही आ रही है, हमेशा क्लोजिंग जो है वो ऊपर ही आ रही है। तो निफ्टी निफ्टी अगर यहाँ पे टिका हुआ है तो वो 10 स्टॉक में कोई स्टॉक तो होंगे, उन 10 स्टॉक में रिकवरी आई है नीचे के एंड से गिर के, अभी जो ऊपर भागेंगे वो 10 स्टॉक ही सबसे पहले भागेंगे, निफ्टी भागेगा तो सबसे पहले तो वही भागेंगे, बाकी टाटा स्टील तो हाईली मैनिपुलेटेड स्क्रिप्ट है कि रातों रात उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि उतने चार्ट के ऊपर देखोगे तो इतना भागल जो मैंने एक्सप्लेन किया था ऐसा थोड़ी भाग जाता है। और क्या डिस्कस किया था, बताओ, और कुछ भी नहीं किया? ज्योत्सना जी ने क्या क्या पढ़ाया आपको सच बताना, बताओ सर। मैं पढ़ रही हूँ सर, सब्सक्राइब सर, हम सीख रहे हैं, हम क्या अभी पढ़ाएंगे सर? नहीं नहीं, क्यों आप टीचर हो, क्यों नहीं पढ़ा सकते सर? क्या दिक्कत जो चीज आपको तो नहीं आना सर। हाँ सर, एक सेकंड, आप टाटा स्टील देख सकेंगे क्या? हाँ टाटा स्टील लगाऊंगा। अभी हमने जब डिस्कशन किया था तो मेरे एनालिसिस में वो अपने बाय ऑन डिप्स के बहुत अच्छे पॉइंट पे दिख रहा है। सिक्सटी वन परसेंट पे है वो लास्ट स्विंग के। कौन से टाइम फ्रेम में? 125 मिनट में। 125 मिनट ही लगा रखा है, ये देखो। हाँ ये जो लास्ट स्विंग है वहां से अगर आप ठीक है, कितना अच्छा है, सुपर है, क्लोजिंग नहीं आ पा रही, ये अनफेयर है सारा। और डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे ना, देखो दिखा दो आपको, देखो सुपर है ना, तो अगर ये कितने का लेवल है 1138 को होल्ड करता है, ठीक है, तो ये बाय ऑन डिप्स परफेक्ट है। क्योंकि अगर आप इसका नेकलाइन भी देखोगे ना, परफेक्ट नेकलाइन अगर आप देखोगे तो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो परफेक्ट नेकलाइन इसका क्या है, मेरे ख्याल से इससे बेस्ट परफेक्ट नेकलाइन नहीं हो सकता। वहीं से रेट कर रहा है, काफी गिर गया, ठीक है, और काफी गिर गया। अगर आप देखोगे तो टाटा स्टील ने निफ्टी की तरह ही, निफ्टी में भी ये बना है ऑलमोस्ट जी, ठीक है। तो अगर आप प्राइस बिहेवियर के हिसाब से देखोगे ना, प्राइस बिहेवियर के हिसाब से टाटा स्टील हाई, हायर हाई, अगेन हायर हाई, ये लो टूटा नहीं, ये मेरे माइंड रखेगा, लो 1066 है इसका लो कितना, 1000, बट क्लोजिंग इसके नीचे है, चलो कोई बात नहीं, बट इसका हाई टूट गया, इट इज ओके, प्राइस हाई भी टूट रहा है, लो भी टूट रहा है, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे तो प्राइस यहाँ से भी रिस्पेक्ट कर सकता है, यहाँ से तो रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, फिर तो टूट ही जाएगा, ठीक है। अगर ये प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है तो एटलीस्ट इसका हाई तो टूटना चाहिए टाटा स्टील का। कहाँ तक जाना चाहिए? 1250 यहाँ तक जाना चाहिए टाटा स्टील, जाना चाहिए आपका 1320 तक जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये आपका लेवल है, कोई बात नहीं, ठीक है, बट ये लेवल ऑलरेडी टेस्ट हो गए, ये कुछ बचा नहीं, देखा जाए तो ऊपर तक कुछ भी नहीं बचा, मतलब ये एक नेकलाइन है, ये भी कोई मायने नहीं रखेगी और ये भी कोई मायने नहीं रखेगी, ऊपर की साइड जब जाएगा तो टूटता ही रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, ऐसे जाता रहेगा, ठीक है। ये हाई भी टूट जाएगा, तो एवरी डिप इज बाय अपॉर्चुनिटी, मतलब एक पॉजिटिव वेव आएगी, एक नेगेटिव वेव आएगी, तो एवरी डिप इज बाय अपॉर्चुनिटी टाटा स्टील में, ठीक है। अगर आप इसका वीकली का चार्ट देखोगे, ठीक है, सारा डिलीट कर दूंगा, देख तो हम उल्टा रहे हैं, देखना चाहिए मंथली का, ठीक है जी सर। ये प्रोसेस गलत है, ठीक है। तो इससे परफेक्ट टाटा स्टील में बाइंग हो ही नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, ठीक है, वो इसलिए नहीं हो सकती, अगर टाटा स्टील को आप देखोगे
तो ये कैंडल से लेकर के इसका बॉडी है ये, हाँ ये ठीक है। तो इस जोन में सारा ही बाइंग जोन है, मतलब यहाँ से लेकर टाटा से जब से आया ठीक है। और आपका अगर बेटर वे में देखोगे एक, अगर इसको थोड़ा और रिफाइन कर दें तो बेटर वे आपका ये है, कौन सा ये वाला बेटर वे। तो ये जो जोन में जब भी टाटा स्टील आया बाई बाई बन रहा है। अगर इसको गलती से टाटा स्टील ने तोड़ा तो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, तो टाटा स्टील कहीं रुकने वाला ही नहीं है 700 से पहले, कोई लेवल ही नहीं है टाटा स्टील का। अगर प्राइस को उसने तोड़ा ये रुक ही नहीं सकता यहाँ पे, इसके बीच में कहीं नहीं रुक सकता, वो देखना पड़ेगा आपको वीकली एंड डेली के अंदर कि क्या करेगा। बट ये यहाँ पे इस जोन के अंदर बाइंग था ठीक है। बट दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि टाटा स्टील की मंथली में कोई क्लोजिंग नहीं आ रही इस लेवल के ऊपर, देख रहे हो ना, कोई क्लोजिंग तो आया एटलीस्ट इसके ऊपर। तो ये चीज अनकंफर्टेबल कर रही है टाटा स्टील में, कोई भी क्लोजिंग नहीं है। अब इस महीने का पता लगेगा, इस महीने अगले महीने की टाटा स्टील की क्लोजिंग आ रही है। अगर टाटा स्टील की क्लोजिंग नहीं आती है, प्राइस नीचे की तरफ आता था, तो टाटा स्टील लाइफ टाइम हाई की तरफ नहीं, टाटा स्टील 700 की तरफ जाएगा। ये चीज है ना, ध्यान में रखना हमेशा ठीक है। कभी भी किसी भी स्क्रिप्ट को टॉप पे बाय नहीं करना, क्लोजिंग बहुत मैटर करेगी। अगर क्लोजिंग आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है और प्राइस नीचे की तरफ जाता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। अनएक्सपेक्टेड क्या होगा इसमें, तो अनएक्सपेक्टेड हमेशा ही होता है टाटा स्टील में, तो हमेशा होता है। ऐसा क्या होगा कि 285 वाला स्टॉक आपका 1500 चला गया। इट इज हाईली मैन्युपुलेटेड स्क्रिप्ट बाय इंस्टीट्यूशनल ठीक है, लीगली इसको बोलते हैं लीगली मैन्युपुलेशन। अरे भाई टाटा स्टील में इतने कौन से टाटा स्टील ने प्रॉफिट कर लिए, बाकी स्टील सेक्टर किसी कंपनी ने तो किए नहीं। स्टील सेक्टर कैसे बढ़ गया कोरोना में, स्टील सेक्टर की कौन सी ऐसी डिमांड आ गई थी, आगे थी कोई स्पेशल? अभी ऐसा क्या हो गया 2020 आप 2020 मई से लेकर के आपका अगस्त तक 21 तक, तो ऑलमोस्ट कितना हो गया, एक साल हो गया। एक साल में टाटा स्टील ऐसा कौन सा प्रॉफिट करने लग गया कि 250 वाला स्टॉक आपका 1500-1600 चला गया? कितना टाइम चला गया, ऑलमोस्ट 6 times, 6 times ज्यादा हो गया ना। तो टाटा स्टील का क्या प्रॉफिट एक साल में 6 times बढ़ गया? ऐसा क्या बिजनेस करने लग गया टाटा स्टील? ये 90 डिग्री के एंगल से खड़ा है बिल्कुल सर। इट इज हाईली मैन्युपुलेटेड स्क्रिप्ट ठीक है, ये मैन्युपुलेटेड स्क्रिप्ट है। और स्क्रिप्ट में आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, डे ट्रेडिंग तो बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये जब मूवमेंट करता है ऊपर या नीचे की साइड, ये 5-5, 6-6, 7-7, 8-8% भागता है डे के अंदर। तो टाटा स्टील डे ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा स्टॉक्स है। बट जो ये डेली के हिसाब से जो आपके जो रेंज है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, ये जो ये फंस जा रहा है ना ये वाला, इनमें ट्रेड मत करो बस। क्या ये जो फंस जा रहा है, ये तो हमें पता नहीं इनमें कैसे ट्रेड नहीं करना, या नहीं पता किसको नहीं पता ये वाली बात, बोलो तो सही यार। ये बात किसको नहीं पता, नए लोगों को छोड़ के जिन्होंने 21 तारीख से ज्वाइन किया उसको छोड़ के, पुराने सबको पता है ना ये स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं। तभी तो बोला मैंने स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, स्टॉक सिलेक्शन ये करना है कि आपका जो रेंज के हिसाब से वो स्टॉक देखने जो बिल्कुल एंड पे खड़े हो या फिर बिल्कुल बॉटम पे खड़े हो, तो अगले दिन के लिए उनको वॉचलिस्ट में एटलीस्ट हम डाल सकते हैं, हो सकता है ब्रेकआउट हो जाए वो ब्रेकडाउन, ये बीच वाले स्टॉक किसी काम के नहीं है ओके। या फिर वो स्टॉक जो ब्रेकआउट हो चुके हैं या ब्रेकडाउन हो चुके हैं ट्रेंडिंग, तो ट्रेड तो इनमें ही करना है। और जो एंड में टॉप पे खड़े या बॉटम पे खड़े वो भी वॉचलिस्ट पे रडार पे रखना है, हो सकता है उनका भी ब्रेकआउट हो जाए ब्रेकडाउन हो जाए, ताकि आगे चल के हमें उसमें अच्छे ट्रेड्स मिले। तो टाटा स्टील ट्रेडिंग के लिए अच्छा है डे ट्रेडिंग, बट डे ट्रेडिंग रोज थोड़ी कर पाओगे। मतलब आपके पास 28 स्टॉक है, 20 के बहुत सारे स्टॉक्स हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी। अब 20 स्टॉक्स में अब आप अपने चॉइस से कर सकते हो ना कि जो स्टॉक ट्रेंडिंग रहेगा जो वन वे जाएगा उसमें मैं ट्रेड करूंगा, रेंज के हिसाब में मैं अपना एनर्जी और टाइम क्यों वेस्ट करूं, करना है वो अलग बात है। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम जबरदस्ती करते हैं हमें पता नहीं, तो अलग बात है, लेकिन क्यों करना? जब ट्रेंडिंग रहेगा तो टाटा स्टील में कर लूंगा, जब टाटा स्टील ट्रेंडिंग नहीं है उस दिन मुझे कोई और मिल जाएगा, हो सकता है उस टाइम मुझे HDFC मिल जाए, SBI मिल जाए, हो सकता है उस टाइम मुझे UPL मिल जाए। तो सारे स्टॉक एक साथ तो ट्रेंडिंग नहीं रहते, कोई ऊपर जा रहे होते हैं कोई नीचे जा रहे होते हैं ना, कोई स्टॉक ऊपर जा रहा होता है, निफ्टी 50 के 50 स्टॉक देखोगे तो उनका ट्रेंड देखोगे ना, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है एक साइडवेज हो रहा है। तो आपको कौन से में साथ में रहना है, ट्रेंडिंग वाले पे, और जो एंड में खड़े हैं टॉप पे खड़े हैं बॉटम पे खड़े हैं जो ब्रेकआउट करने वाले ब्रेकडाउन करें उनके साथ जाना है। तो आपका टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, पैसा तो बचेगा, ये दोनों बचेगा, तो पैसा तो उसी का इक्वल होता है, टाइम और एनर्जी। टाइम और एनर्जी आपके पास नहीं है तो पैसा है ही नहीं,
सबसे पहले तो वही होना चाहिए, वैल्यू एडिशन करो लाइफ में, वैल्यू मतलब क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस करो, लर्निंग के ऊपर, देन सब चीजें आपको अच्छा मिलेगा। ठीक समझ में आए या नहीं आए? विक्रम जी ने, विक्रम जी ने भी ऐसे ही समझाया होगा जहां तक मुझे लगता है, मैं इससे ज्यादा बेटर समझाया होगा। अब ये वाली बात का कोई भी जवाब नहीं देगा, क्यों नहीं जवाब देगा? नहीं सर, अच्छा समझाया उन्होंने। नहीं सुनो, मैं बताता हूँ, दोनों दोनों साइड फंस जाए कि अगर मैं जब क्लास में नहीं रहूंगा तो विक्रम जी से सवाल पूछते हैं, ठीक है, तो अब विक्रम जी के लिए भी नहीं बोल सकते कि विक्रम जी ने ज्यादा अच्छा समझाया मैंने समझाया, मजाक वाली बात बोल रहा हूँ, कोई बोल सकता है? क्या कह रहे सर? अलग तरीके से उन्होंने, मतलब उन्होंने भी सही अपने व्यू से अच्छा बताया था। हाँ। और आपने जो बताया सर वो थोड़ा क्लियर हो गया। तो विक्रम जी ने जो बताया क्लियर नहीं हुआ, क्या कहना चाह रहे मतलब? फिर अगली बार पूछना विक्रम जी से आप। सर वो एक्चुअली उन्होंने भी कहा ना कि सर आएंगे तो इसको क्लियर करेंगे, उनका समझ में तो आया, काफी चीज समझ में आया और आपने जो बताया तो फिर पूरा क्लियर हो गया। अगले एक महीने तक आपको विक्रम जी पढ़ाएंगे, जितने भी सबको फी मिलने वाली वो सारे मैं विक्रम जी को ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक रहेगा? कौन कौन एग्री करता है? कोई तो बताओ यार। सर हम लोगों को तो फी देना ही नहीं है वैसे अब। ये तो अच्छा, तो वन टाइम फी तो किसी को भी नहीं देना, ये तो हम एक फैमिली है, ये एक फैमिली की तरह है और हमेशा एक फैमिली की तरह, किसी को भी नहीं देना यार, क्यों देना हमको? वो बाकी लोगों की तरह स्कैम थोड़ी कर रहे, बिजनेस थोड़ी चला रहे हैं हम। एक बार मैंने क्या बोला, बिगिनिंग से बोला था आप फैमिली मेंबर की तरह डिजर्व करने होने चाहिए, आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा मैं दूंगा, ठीक है, जो कि दे रहा हूँ। आप देखो ना इससे बेस्ट क्या हो सकता है, बताओ कितने बजे से बैठे, क्या टाइम हो गया अभी? 9:10 से बैठे हैं यार। सर आप बुरा नहीं माने तो एक रिक्वेस्ट था सर। बुरा मानने वाले क्या बात है, कुछ कुछ भी बोलो जो है वो नेचुरली बोलो। सर ये जो स्टॉक सिलेक्शन का जो पार्ट लास्ट टाइम आपने पढ़ाया था, मैंने उसको भी मिस किया और वीडियो भी नहीं देखा था, तो क्या आप एक मिनट इसमें मैं बुरा क्यों मानूंगा, इसमें तो मैं गुस्सा हूंगा आपके ऊपर। हाँ गुस्सा होंगे इसलिए मैंने, डर लगता है सर। तो वो जो मैंने, मुझे पता था वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है तो उनको मैंने प्राइवेट करके रखा हुआ है, ठीक है, अब सैटरडे को मैं आपको सबको दे दूंगा ताकि आप टाइम से तसल्ली से देख लो सब लोग, सैटरडे को दे दूंगा सबको, इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया। मुझे लगता है क्योंकि कुछ कुछ क्लासेस जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते, मुझे भी नहीं पता कि मैं इतने फ्लो में क्या और कैसे बोल गया, नहीं पता होता ना, क्योंकि मैं तो आपको दिल से पढ़ाता हूँ, मैं कोई से पढ़ के थोड़ी आता हूँ, मैं तो एक फ्लो में पढ़ाता हूँ आपको कि जो मुझे आता सबको सिखा दूँ, कुछ हाइड तो रखता ही नहीं ना, रखने की जरूरत भी नहीं है। सर आज जो आपने सर स्टॉक सिलेक्शन बताया सर तो वो ज्यादा समझ में आया सर, तो इससे पहले सिखाया वो समझ में नहीं आया सर, वो थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी ना सर इसलिए सब गड़बड़ हो जा रहा था मतलब हो रहा था बट थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही, आज सर काफी चीज समझ में आ गया सर। चलो ये भी अच्छा है, एटलीस्ट फाइनली समझ में तो आए, सबसे अच्छी चीज तो ये है कि मतलब चाहे एक महीने बाद आए लेकिन आ जाए समझ में, उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता ना, कि आ जाना चाहिए, मतलब आपकी सक्सेस होनी चाहिए, चाहे एक महीने में नहीं चाहे दो महीने लग जाए, बट सक्सेस मैटर करते है कि आपका आनी चाहिए और हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो कुछ बात बनेगी नहीं, ठीक है। तो टाटा स्टील समझ में आ गया सबको? जी सर। यस सर, अभी तो बहुत कुछ पढ़ाऊंगा इस इवनिंग में, जो एजुकेशन दूंगा ना सर, एक बात पूछना था सर, अरविंद बोल रहा हूं, टाटा स्टील में सर एक बात पूछना था सर। अभी रुक जाओ, अभी तो मैं उनसे पूछूंगा, राम यादव जी से बताओ, निफ्टी के तो गिरने वाला था, दोबारा कोई मैसेज नहीं डालेगा जिंदगी में यहाँ पे। अरे गुरु जी माफ कर दीजिए, और बस मैं लाइव ड्यूटी करके आया जॉब से, क्या करके आया? देखा रेड रेड दिख रहा है, मुझे लगा था गुरु मैं सर। अरे भाई तो रेड दिखने का मतलब क्या मार्केट नेगेटिव हो जाएगा क्या? वो तो ऊपर रिकवर हो गया मार्केट, देखो ना। अरे लाइफ में कभी नेगेटिव बोलेगा ही नहीं सर जी, आज से नेगेटिव नहीं बोलेगा कभी, ऐसा नहीं है मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से बोलना है यार। देखो आप अगर वैसे कुछ बोल देते कुछ भी होते, आप क्या कर रहे हो, आप रिटर्न में दे रहे हो सबको, ये गलत है ना? नहीं नहीं वो गलती है मेरी, जूम के ऊपर सबके वो रिटर्न में दे रहे हैं कि सपोर्ट के पास, क्यों किसी को गुमराह करो, मार्केट क्यों गिरेगा यहाँ से, मार्केट तो ऊपर जाएगा। फिर मैं पूरा स्ट्रक्चर देखा तो मैं बोला गुरुजी सही है, आज जो भी सुनाना है सुन लेते हैं और गया।
ऐसा है सर। नहीं नहीं सर, सही बात है आपकी, वो मुझे बताया वो भी सही बात है आपकी, क्योंकि ये ऐसे डाल नहीं सकते पूरा अपना अपना ग्रुप में, ऐसे तो नहीं डाल सकते कोई। कितने लोग फॉलो करते हैं, सुनो टेलीग्राम पे कितने लोग हैं, यूट्यूब पे कितने फॉलो करते हैं, मैं पब्लिकली डालता हूँ और मैक्सिमम मोर देन 99% रिकॉर्डिंग भी हो रहा था सर। नहीं नहीं सही है सर, वो आपने डाटा वो भी सही किया सर, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, इतना अपना पूरा ग्रुप ऑनलाइन में भी चल रहा है। नहीं ये रिकॉर्डिंग है, ये तो मैं YouTube पर डालने वाला हूँ, ये सारा सारा का सारा ये बीच वाले डाल दीजिए, लेकिन वो मेरी गलती है, वो सही बात है। ये चार घंटे की जो क्लास है पूरी तो नहीं डालने वाला, लेकिन इसमें जो जब से मैंने निफ्टी का टाटा स्टील का एक्सप्लेन किया और ये लास्ट में जो निफ्टी ऊपर गया है, ठीक है, ये तो बोला यार। एक बात बताओ, मेरा एनालिसिस कब गलत जाता है? मैं अगर मॉर्निंग में मार्केट खुलने से पहले टेलीग्राम पे जो डालता हूँ, आप देखना एक साल का डेटा उठा देना किस दिन गलत गया। नहीं नहीं सही है। और सर मैं एक्चुअल में बताऊँ, मेरा ये अपना एक भी ब्रोकर में अकाउंट भी नहीं है, क्योंकि ओपन नहीं हो रहा, मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैं अभी कुवैत में हूँ, वैसे मैं इंडिया आऊंगा अप्रैल में, अप्रैल में आके अपना जो भी है उसमें मैं अकाउंट ओपन करूंगा। लेकिन ये मेरे को पूरा अपना ग्रुप मतलब फैमिली मतलब ऐसा समझिए, मैं आवाज सुनता हूँ तो मुझे मजा नहीं आ रहा, इसलिए मैं डेली आवाज सुनता हूँ, क्योंकि इसमें मैं अभी मैं कर नहीं रहा हूँ कुछ, तो मक्खन लगाने वाला मार्केट में काम अपना निफ्टी विफ्टी ये सब किसी में काम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सनेस में करता हूँ। ठीक है ठीक है, तो सुन अभी म्यूट कर दो आप। ठीक है जी सर। तो मॉर्निंग के अंदर 9 बजे ही बोल दिया था ना सबको कि निफ्टी एवरी डिप इज बाय अपॉर्चुनिटी जब तक 17052 के ऊपर है। 17052 का तो एक्सप्लेनेशन दे दिया ना मैंने आप लोगों को, इस 17052 का एक्सप्लेनेशन तो सबको दिया है। यस सर, तो ना मार्केट एवरी डिप इज बाय अपॉर्चुनिटी। अब कोई डिप फर्स्ट पुल बैक को अगर प्राइस नीचे गिर रहा है और फर्स्ट पुल बैक आया, उसको ही अगर डिप समझ ले बिना किसी सपोर्ट के, क्योंकि यहाँ पे तो कोई सपोर्ट है ही नहीं, ठीक है, तो उसका तो मार्केट को जबरदस्ती चेंज करने वाला, मार्केट परफेक्ट एक लेवल पे आने दीजिए, देन हमें हमें प्रॉपर हमारा सिग्नल मिले। तो परफेक्ट लेवल अगर देखेंगे तो यही था वही जी सर ना, और प्रॉपर एंट्री भी मिली है। चलो अभी तो पूरा दिन पड़ा, अभी तो बहुत कुछ मिलेगा, अभी तो टाइम हुआ ही क्या है, 11:30 हुआ है, अभी तो एक एंट्री मिली है, अभी तो एक एंट्री और मिल सकती है हमें, इवन दो एंट्री तक की पॉसिबिलिटीज अभी बिल्कुल है, नहीं है क्या बताइए। लंच सेशन इवनिंग सेशन दोनों पॉसिबिलिटीज है, ये पॉसिबिलिटीज भी है, ये पॉसिबिलिटीज भी है, और ये पॉसिबिलिटीज भी है, ये पॉसिबिलिटीज है, वो तो आने दो ना प्राइस को, उसके हिसाब से देखेंगे ना। तो कल तीनों ट्रेड को, तीन नहीं कल दो ही ट्रेड बने थे निफ्टी में। सर एक क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे, जयेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ बाद में पूछना, आपको कितने दिन हो गए ज्वाइन किए? ये लास्ट बैच बीच में ज्वाइन किया था मैंने। हाँ बीच पहले सीख लो पूरा फिर पूछ लेना। तो आपके कल दो ही ट्रेड बने थे, क्योंकि आपकी एंट्री वगैरह सब कुछ हुआ नहीं, तो आज अभी एक बन गया, अब आज अभी पता लगेगा शाम तक एक बनेगा या तीन बनेंगे, मैक्सिमम तीन ट्रेड और मिनिमम कितना? एक। ठीक है, एक ट्रेड तो मिल ही जाएगा किसी भी स्क्रिप्ट में, पेशेंसली वेट करोगे तो। ऐसा होता ही नहीं कि नहीं मिलता, मिलता पैसा हमेशा देके जाता है, वो अलग बात है कि हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं होता कि जब सही मार्केट हमेशा एंट्री का टाइम देता है, जब सही एंट्री की जब बारी आती है तब तक हम या तो पैसा नहीं होता या हमारे अंदर मेंटली इतने टूट चुके होते हैं, क्योंकि हमने गलत एंट्री इतनी कर चुके होते हैं। ऐसा क्यों होता है? Because of lack of confidence, lack of practice. अब practice किस पे करोगे? जब education होगी तभी तो करोगे, ऐसे 1000 practice कर लो क्या फायदा? फालतू के YouTube पे जो हम देखते हैं इधर उधर से, जो कचरा नॉलेज हम देखते हैं और बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो authentic तो है नहीं, और भी बहुत सारी चीजें इधर उधर से हम मतलब कभी A सीखे, कभी Z सीखे, कभी D सीखे, कभी C सीखे, ऐसे थोड़ी यार। ग्रेजुएशन तो फर्स्ट टू पूरा ग्रेजुएशन होगी ना, कभी 10th क्लास पास करोगे, कभी 8th करोगे, कभी 7th करोगे, कभी आप 12th करोगे, ऐसे थोड़ी एजुकेशन होती है, ऐसे तो कोई सीख ही नहीं सकता। तो यही दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत कि हम सीख क्यों नहीं पाते, क्योंकि हम इधर उधर से ज्यादा अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो जरूरत की इन्फॉर्मेशन हम वो छोड़ देते हैं, जबकि अवेलेबल तो सब कुछ है। क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सब कुछ अवेलेबल नहीं है?
जी सर, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन लोगों ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मैनिपुलेशन करके उनको डाल रखा है, ठीक है। अब आपको उतना नॉलेज तो नहीं है कि उसमें कौन सी चीज काम की है, कौन सी चीज काम की नहीं है, सीक्वेंस नहीं है, लर्निंग का प्रोसेस नहीं है, आपको क्या सीखना चाहिए क्या नहीं सीखना चाहिए, बस ये सबसे बड़ी दिक्कत है। फाइनेंशियल मार्केट को लेकर के तो ज्यादा दिक्कत है, क्यों? क्योंकि जिसको थोड़ा आता है तो वो अपने आप को राकेश झुंझुनवाल समझता है, और जो जिसको जो आता है वो तो एटलीस्ट कोर्स में तो नहीं सिखाता, इतना तो मैंने देखा है, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है। अभी कल ही घर में डिस्कशन हुआ था, तो घर में किसी ने बोला था कि, मैंने बोला कि ठीक है किसी का तू ऐसे देख, पैसे जो लगेंगे मैं दे दूंगा, तो देखा तो वो कह रहा कि भाई बेवकूफ बन गया, मतलब घर में आला, मैं बोलता हूँ तुम्हें खुले छूटे, जो करना तुम करो, पैसे मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद पता ही लग जाएगा, कह रहा क्या बेवकूफ बनाया यार बंदा, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं और बेवकूफ इतना बनाते हैं, बड़े बड़े लोगों की बात बोल रहा हूँ मैं, छोटे छोटे को भूल जाओ, छोटे छोटे तो खैर स्कैम कर ही रहे, 98% लोग स्कैम कर रहे हैं, 2% लोग सही सिखा रहे हैं, सब लोग गलत नहीं है फाइनेंशियल मार्केट में सिखाने वाले, 2% लोग सही भी है, ठीक है, लेकिन 98% लोग गलत सिखा रहे हैं, सिखा क्या रहे, इंडिकेटर से कोई ट्रेडिंग थोड़ी होता, हम तो प्लेन चार्ट यूज करते हैं, हम तो कोई इंडिकेटर यूज कर ही नहीं रहे, और जरूरत भी नहीं होती। इवन मैं आपको बोल रहा हूँ, जब आप हाईली स्किल्ड होते, जब आप सीख रहे हो, तब तक आपको ये ट्रेंड लाइन, ये रिट्रेसमेंट, ये सब की जरूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि आप एजुकेशन ले रहे हो मेजरमेंट कर करके, और जब आप हाईली स्किल्ड होते हो, ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू में एक मैं आपको ये मतलब पब्लिक फॉर्म में पूरा बोल रहा हूं कि जब आपकी स्किल हाईली आप स्किल्ड हो जाते हो, सब चीजें आपको समझ में आती है, तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर, अभी बोल रहा हूं सबके सामने, ट्रेडिंग व्यू में जितने भी टूल है, एक भी टूल काम का नहीं है। जब आप हाईली मतलब इस टूल के सारे आपको एजुकेशन मिल सकती है, आप अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, जब आप हाईली स्किल्ड हो जाएंगे, सिर्फ एक टूल काम आएगा, वो है आपकी एस लाइन, बाकी कोई किसी काम का नहीं, उस लेवल का नॉलेज रखता हूं मैं, समझ गया मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। ये लेकिन सीखने के लिए इनका सहारा लेना जरूरी, सीखने के लिए इंडिकेटर का सहारा हम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि वो किसी काम का नहीं है, वो फिक्स फॉर्मूला था, बट यहाँ पे क्या होता है, ये वेरी करता है, क्योंकि हम जो बात करते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग स्टैटिक डायनेमिक एंड मार्केट प्रोफाइल और डिमांड एंड सप्लाई, हम सबका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं ना, इसलिए तो हम सक्सेसफुल है, हम किसी एक चीज को पकड़े काम नहीं कर रहे, हम पूरा नॉलेज की बात कर रहे हैं, कि पूरा नॉलेज हमें मिला तो हम उसके बाद काम करेंगे। तो उसके बाद जब आप ये सब चीजें करोगे, तब आपको ये लाइन टूल्स की जरूरत पड़ेगी, किसके लिए? सीखने के लिए और एनालिसिस करने के लिए, रिट्रेसमेंट एंड लाइन टूल से ही सारा चीज बनती है, ठीक है। और जो आपके जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स है, इलियट वेव्स है, सब ये सब लाइन टूल एंड रिट्रेसमेंट टूल के कॉम्बिनेशन से बनता है, ये आप समझ लो। जब आप लाइन टूल एंड रिट्रेसमेंट टूल के ऊपर मास्टरी कर लोगे, तो वो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। जब आप इन पे मास्टरी कर लोगे, जब चार्ट पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, और उसके बाद आप सब चीजें हटा दोगे, आप क्या करोगे, ओनली एस लाइन यूज करोगे और सिर्फ प्लेन चार्ट यूज करोगे, इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं है। तो ट्रेडिंग तो इस तरीके से होती है, पहले एजुकेशन, देन प्रैक्टिस, उसके बाद स्किल्स, उसके बाद ट्रेडिंग, चाहे वो आप इन्वेस्टमेंट करिए, चाहे आप डे ट्रेडिंग, ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो दिक्कत है, रातों रात तो होता नहीं, दो तीन महीने तो देने ही पड़ेंगे ना, दो तीन महीने देने पड़ते हैं। पहले आप पूरा सीखिए, 100 ट्रेड्स करिए, दो दो क्वांटिटी में, दोबारा कोर्स करिए, हर एक चीज को समझिए, जो भी चीज नहीं आया फिर समझिए। ऐसा प्लेटफॉर्म तो कोई दे नहीं रहा ना, कि आप सीख जाओ, चाहे 3 महीने लगा लो, लेकिन सीख जाओ, और कोई फी भी नहीं लेंगे एक्स्ट्रा। कोई भी एक बंदा इंडियन स्टॉक मार्केट का वर्ल्ड में कहीं भी देता हो तो मुझे बता दो, मैं भी सीख लूंगा वहां से। बताओ, मेरी बात पे सब रेवेन्यू चार्ज लेते हैं, तो वो तो बिजनेस हो गया ना, वो सिखाने का मोटिव नहीं है ना, रियली नहीं है ये मंथली मेंटरशिप ये। तो ये जो मॉर्निंग से लेकर के हम 11 बजे तक ये कर रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट है, कुछ बताओगे आप मुझे? कोई बेनिफिट नहीं है इसका, जो सवाल होता है 11 बजे सर, बेनिफिट बहुत है सर, बहुत है। क्या बेनिफिट है? अच्छे अंदर कंपटीशन खासी से प्रैक्टिस हो जा रही है। चलो इसके चार बेनिफिट हो रहा है, चार बेनिफिट बताओ कि क्या क्या, मतलब हमें क्या इंप्रूवमेंट होगा नए और पुराने लोगों के लिए, बता कौन बताएगा? अपूर्व बोल रहा हूँ सर, अपूर्व क्योंकि मैं हूँ पुराना, बट मतलब दोबारा से स्टार्ट किया है, सो फर्स्ट थैंक्स फॉर दैट। सर एक्चुअली क्या है कि हमारा ना व्यू, जैसे हम सभी, मैंने देखा हूँ सभी लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, तो सबका एक अपना अपना व्यू रहता है, पर जब आप फाइनली आके डिस्कस करते हो तो मतलब हमारा एक ना ब्रॉड व्यू बन जाता है उस चीज को, सबका अपना अपना व्यू है, उसको हम देखते हैं, ये हर आदमी किस किस एंगल से सोच रहा है,
और फिर जब हमें एक ब्रॉड व्यू मिलता है ना, वो मतलब वो हमें और ज्यादा रिफाइन करती है वो चीज। यस यस जी सर। और क्या बेनिफिट है? वुमेन्स कौन कौन है क्लास में? कोई नहीं है? कोई तो बोलो यार, वुमेन्स कोई नहीं है क्लास में? ज्योत्सना जी नहीं है? सर, ज्योत्सना जी ये बोलने वाले हैं, वुमेन्स नहीं, मैं गैल हूँ, ऐसा तो नहीं बोलने वाले सर? नहीं सर, मैंने ऑन कर लिया सर। हाँ बताओ सर। बहुत सारी चीज सर क्लियर हो रही है सर, जो मतलब क्लियर नहीं हो रहा था। और मतलब ये प्लेटफॉर्म मिलने से सर बहुत सारा मतलब हमारी जो छोटी छोटी चीजें जो थी वो सब क्लियर हो रही है एक दूसरे से। और विक्रम जी बहुत अच्छा से भी समझा रहे हैं। फाइनली विक्रम जी की तारीफ कर दी, मतलब कहीं ना कहीं विक्रम जी को यह ना लगे कि उनकी तारीफ नहीं करी। अब विक्रम जी सारे सवालों का जवाब देंगे, कोई बात नहीं। हाँ सर, उन्होंने सबको क्लियर किया सर, जितना मतलब उनको जितना आता है वो अपने हिसाब से बहुत सारा चीज मतलब क्लियर किए हैं। तो काफी चीजें जो हम लोग नहीं जानते हैं सर, तो वो भी क्लियर होता जा रहा है। और विक्रम जी को जितना आता है ना, इस क्लास में किसी को भी नहीं आता उतना। मैं प्रैक्टिकली बता दूं, मेरे को छोड़ दो अलग, ठीक है, मैं तो आपका टीचर हूँ, उन सब चीजों को छोड़ दो अलग, ठीक है, वो सब करो। लेकिन विक्रम जी को जितना आता किसी को भी नहीं आता आप लोगों को। यस सर, यस सर, ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये मैंने फील किया है। नहीं, उन्होंने सर जितना बताया सर बहुत अच्छे से, अच्छे ढंग से सर उन्होंने बताया है। और काफी चीजें हम लोग का क्लियर, सभी का क्लियर हो रहा है, मेरा ही नहीं सभी का क्लियर हो रहा है। क्योंकि हम लोग को बहुत सारी चीजें सर मार्केट के बारे में पता नहीं है जो वो बताते हैं, तो उसको तुरंत। आलोक जी भी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं सर। हाँ, आलोक जी बेस्ट, मतलब आलोक जी, अगर आलोक जी को अगर मैं स्केल पे रखूंगा, अगर टाइम फ्रेम के हिसाब से, जैसे विक्रम जी एक्सपीरियंस के मामले में और विक्रम जी को नॉलेज के मामले में, विक्रम जी को मैं टॉप पे रखता हूँ, सबसे टॉप पे, ठीक है। कुछ कुछ लोग हैं जैसे मैं आपको टॉप पे रखूँ जो बेस्ट स्टूडेंट, जैसे विक्रम जी हो गए, शशि भाई हो गया, ठीक है, और उनके भी थोड़ी हेल्थ का इश्यू है, और भी बहुत सारे, अगर मैं नाम किसी का भूल पा रहा हूँ, ठीक है, टॉप, जो टॉप पे रखने वाली बात है। आलोक, अगर टाइम स्केल के हिसाब से कि सबसे फास्ट लर्नर सबसे कम टाइम में अगर गेन करने वाला है, तो वो टॉप पे आलोक जी का ही नाम आएगा। यस सर, वो भी मतलब फाइनली अच्छे से ही सर डिफाइन करते हैं सर, तो काफी चीजें क्लियर हो जाती है। तो अच्छा है सर इस तरह से। तो सर कुछ दिन में ही सर बहुत सारी जो प्रॉब्लम हम लोग के साथ है सर, ये मैंने क्या बोला ग्रुप पे, एक इन्फॉर्मेशन डाले थे, लाइफ टाइम रखेंगे कंटिन्यू। यस सर, तब तो ये हमेशा रहेगी कि हर एक स्टूडेंट की मुझे सक्सेस चाहिए तो चाहिए, मतलब कोई फेल नहीं होना चाहिए। इतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी है, बस दिक्कत क्या है, हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। यस सर, क्योंकि एजुकेशन देने में तो कोई कमी नहीं है ना, एजुकेशन तो मैंने 4-4 घंटे पढ़ाता हूं यार, उससे ज्यादा क्या चाहिए। यस सर, उसके बाद लाइव में प्रैक्टिस करना है, उसके बाद जब डाउट आए वो मैं सिखाऊं, वही तो मेन चीज है, प्रैक्टिस हमें करनी है। और नया कौन है, नया कोई किसी को बोलना है, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कुछ भी हो रहा है तो बोल सकते हैं आप, बोलना किसी को या फिर आपको। जयंद्र ही बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। ये मॉर्निंग सेशन की वजह से ना प्रॉपर हैंड होल्डिंग हो रही है और पेशेंस बढ़ रहा है, 4-4 घंटे 5-5 घंटे या 3 घंटे जो भी है मार्केट को देखना, जो पहले नहीं कर पाते थे, जितना भी पढ़ ले नहीं कर पाते थे, 1 घंटा बैठे उठ गए, ट्रेड नहीं मिला, या पेशेंस बढ़ रहा है और हैंड होल्डिंग प्रॉपर हो रहा है। मार्केट को हर एक का व्यू अलग है, तो हर एंगल से एक चार्ट की स्टडी हो रही है, हर एंगल से, किसी को हम एग्री करते हैं, किसी को डिसएग्री करते हैं, फिर अपना भी व्यू चेंज होता है, तो थोड़ा व्यू ब्रॉडर हो रहा है इस सेशन की वजह से। ये भी देखो ना, आप लोगों को 4 घंटे मॉनिटर में भी कर रहा हूँ। हाँ, मेरे को भी देखो, मतलब 4 घंटे मॉनिटर करना, आप लोगों को सुनना और जो गलत कर रहा है उसको वहीं पे टोकना और फिर सिखाना। हाँ, वो भी कितना मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, और इतना टाइम कोई देता नहीं मार्केट में, कोई भी टीचर नहीं। बट मैंने ठान लिया ना, क्योंकि सब लोग फैमिली वाले फोन करते हैं, किसी का भाई फोन करता है, किसी बहन फोन करती है, किसी मम्मी पापा मुझे फोन करते हैं, क्योंकि सब लोग तो फैमिली की तरह ना, सब लोग तो मुझे जानते हैं। हाँ, तो वो मुझे फोन करते हैं, वो कह रहे हैं कि करके सिखा दो कुछ भी, कैसे कर कर, मैंने हमने आपको मतलब सौंप दिया है, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे फोन करते हैं, अब आपको जो करना है करो, हमारी तरफ से पूरी छूट है, फिर तो मैं खींच लूंगा ना अपने हिसाब से, कहाँ जाएगा भाग के। आज नहीं तो एक हफ्ते बाद सीख जाएगा, जब मैं स्ट्रिक्ट रहूंगा, एक एक चीज को प्रैक्टिस करवाऊंगा, एक एक चीज पूछूंगा, तो आज नहीं तो 5 दिन बाद समझ जाएगा। क्यों, पहली बार किसी को ये लग रहा है, किसी ने मुझे बोला कि सर, मैसेज कर रहा है कि सर ये लग रहा है कि हमें सीखने का वो नहीं है, आपको सिखाने की ज्यादा पड़ी हुई है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं,
बहुत कमेंट करते हैं, ये सारे कमेंट आते हैं। सही बात है सर, हाँ सर, सही बात। ऐसे लग रहे छड़ी लेके बैठे हो और हमसे कबाई लोग हैं जो बचपन में होता था। नहीं सिखाने देखो ये फैमिली तभी हम एक दूसरे के साथ हाँ, राइट, राइट, आने राइट, वाले छह महीने बाद मतलब मान लीजिए आज के दो महीने बाद आपसे मिलता हूँ या छह महीने बाद आपसे मिलता हूँ तो आपसे आंख से आंख मिला के तभी तो बात कर पाएंगे जब एक तो बेस्ट एजुकेशन होगी और आप एक अच्छा कर पाएंगे या फिर आपको सपोर्ट चाहिए सपोर्ट देंगे तभी तो हम एक दूसरे से मिलने का फायदा होगा एक दूसरे से बात कर पाएंगे। जब अच्छा कर ही नहीं रहे तो मन से मन तो मिलेंगे नहीं ना कभी, मन तभी मिलेगा जिस मोटिव के लिए, मतलब हमारा मोटिव क्या है यहाँ पे बेस्ट एजुकेशन प्रैक्टिस और हमारा पैसा बने कुछ हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो जाए और हम अच्छी इन्वेस्टिंग कर सके या ट्रेडिंग कर सके जो हमारे पास टाइम हो उस हिसाब से हमारा मेन मोटिव वही है ना। यस सर। तो मेन मोटिव जिस दिन पूरा हो गया उसके बाद तो हेल्दी रिलेशनशिप में है ना। तो मेन मोटिव पहले पूरा होना चाहिए, आपका भी वही होना चाहिए मेरा भी वही होना चाहिए उसके अंदर किंतु परंतु कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ तो और सिर्फ प्योर एजुकेशन प्रैक्टिस स्किल्स देन आप पैसा बनाओ, ये एक प्रोसेस है। आपको कुछ डिस्कशन करना है कर लो, 10 मिनट बाद मैं एंड कर दूंगा 12 बजे तक ही रखेंगे वो बहुत लंबा हो जाएगा बैठने से टॉकना। सर एक दिन सर ये टेस्टिंग वाला थोड़ा समझा दीजिएगा सर, मुझे थोड़ी सी बहुत दिक्कत होती कहां कौन सा टेस्ट हो गया कैसे उसको सर एक मतलब हाँ। इस तरह से समझा दीजिए सर वो दिमाग में बैठ जाए। इसके ऊपर मैं एक अलग से क्लास करूंगा, डोंट वरी। जब कल रात को मैंने बताया था ना कि कौन-कौन से हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, तो हम यूज करने वाले हैं स्टैटिक डायनेमिक असेंडिंग डिसेंडिंग और मार्केट प्रोफाइल एंड डिमांड एंड सप्लाई। तो इसकी जब सेपरेट क्लास होगी तो वो एक एक पॉइंट पे क्लास करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे तो अगर मैं पढ़ाऊं तो 2 महीने पढ़ा सकता हूं उसके ऊपर, वो बहुत डेप्थ में, बट मैं कोशिश करूंगा 15 दिन आपको अलग पढ़ाऊं आने वाले 2-3 महीने में, उसको अलग से पढ़ा दूं आपको, मतलब कोर्स से बाहर जाकर के। तो आपको एक मतलब हाईली मतलब एक स्किल के ऊपर भी कोई चीज होती है, अगर वो भी हो जाए तो बेटर है। तो वो है मेरे दिमाग में चल रहा है वो, मतलब उसका अभी शॉर्ट फॉर्म तो मैं बता दूंगा, मतलब जो जरूरत है उतना बता दूंगा, बट उसका एक अलग से भी कुछ 15 दिन का सिखा देंगे। नहीं सर, जो भी सर है उसको क्लियर एक बार हो जाए तो सर एक्चुअली वो नहीं पता चल पाता है सर किस जगह पे प्राइस रुकेगा किस जगह टेस्ट हो चुका है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जा रहा सर। वैसे तो बहुत सिंपल है उसमें कुछ भी नहीं है, बट आज इवनिंग की क्लास में ही मैं डिस्कस कर दूंगा ये। ओके इवनिंग क्लास में डिस्कस कर देंगे, ठीक है, आप कर लो डिस्कशन कर लो थोड़ी देर बाद फिर क्लास एंड करेंगे। हाँ बोलिए विक्रम जी कुछ कर रहे हैं आप? नहीं सर मैं 12 o'clock को मैं थोड़ा ऑफ करके आया है, मुझे बाहर जाना है। नहीं जिसको जब भी जाना है आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, सोचा मैं अभी आप ऑनलाइन है तो मैं बता देता हूँ। नहीं नहीं किसी को मान बीच में किसी को कुछ भी काम आप नहीं ज्वाइन कर सकते जा सकते हैं तो वो पर्सनल काम वो तो करना ही पड़ेगा ना, जो जरूरी चीज है वो करनी पड़ेगी, तो आप कभी भी जा सकते हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना टाइम दोगे जितना स्पेंड करोगे उतनी आपकी स्किल इंप्रूवमेंट हो जाएंगे। मान लीजिए 5 दिन में 1 दिन आप नहीं हो तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, 2 दिन नहीं हो 3 दिन हो तो बाकी आपके क्वेश्चन आंसर सोल्व हो रहे हैं ना तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि बहुत सारे लोग तो जॉब भी करते हैं दिन में नहीं कर सकते इवनिंग में करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, बट डिसिप्लिन में रहो आप कर लो डिस्कशन जो भी पूछना बाद में। सर इस सैटरडे संडे मैं बाहर रहूंगा। क्या नाम आपका? नवीन कुमार नाम है सर। कल अगर आप वो सैटरडे संडे तो क्लास होती नहीं है ना, स्टॉक सिलेक्शन वाला वीडियो कल डाल देंगे तो बहुत हेल्प होगा सर। कल फ्राइडे को डाल दूंगा, फ्राइडे शाम को सर, क्योंकि नए थोड़ा सीख जाएंगे तभी तो डालने का फायदा है ना। हाँ तभी फायदा है। देखो मैंने वो स्टॉक सिलेक्शन वाले वीडियो तीन बार अनलिस्टेड किए, प्राइवेट से 3 बार अनलिस्टेड किए, क्लास भी करी, चार बार भी आप अगर मिस कर रहे हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। नहीं गलती मेरी है सर मैं मानता हूँ, कोई बात नहीं फिर दे दूंगा कोई बात। ठीक है सर। आलोक बोल रहा हूँ। हाँ बताओ आलोक सर, अभी आया मैं, कुछ डिस्कस हुआ क्या? आपकी तारीफ हो रही थी। अरे सर आप सीरियसली पूछ लो सबसे, ज्योत्सना जी बता देंगे मैंने क्या बोला, मैं म्यूट कर रहा हूं, ज्योत्सना जी बताएंगे। अरे आलोक जी आपके बारे में वही सर कह रहे थे कि कैसा पढ़ाते, तो मैंने वही कहा कि बहुत अच्छा विक्रम जी और आप मिलके ही मतलब सभी लोग को बहुत अच्छा। अरे नहीं आई एम हंबल्ड, नहीं विक्रम जी से अगर सर उसके आसपास भी मेरे को रख रहे हैं तो आई एम सीरियसली हंबल्ड, क्योंकि उनकी नॉलेज जो मार्केट में है ना बात करने से पता लग जाता है, वो बहुत ऊपर की नॉलेज है, एक्सपीरियंस उनको बहुत ज्यादा है इस मार्केट में मतलब इस फील्ड में। तो मैं तो अभी बालक हूँ, मैं तो अभी मुश्किल से 1.5-2 महीने पहले तो मैंने मार्केट का एम सुना है,
बताया तो था मैंने सर को, मेरे को एसएल नहीं समझ में आता था, मेरे दोस्त लोग बात करते थे एसएल एसएल, मुझे पता ही नहीं था एसएल क्या होता है। बट वही सर ही कह रहे थे कि आप इतना जल्दी, मतलब हम लोग के तो खैर सीनियर हैं, बट आपने बहुत रिकवरी की है तुरंत, मतलब जितना कम समय में आपने किया है कोई और नहीं किया, वही सर कह रहे थे और कुछ नहीं। अच्छा थैंक यू सर, थैंक यू। बाटा इंडिया कोई बोलेगा चार, बाटा इंडिया कर लीजिए डिस्कशन खोलते। देखिए बाटा इंडिया में अभी अभी जो ट्रेड मिला सेल का इंट्राडे ट्रेड, ठीक है, लंच सेशन का, हाँ आई कैन, हाँ बोलिए ना। ये तो समझ में आता है कि नहीं ये सही ट्रेड मिला है, क्योंकि वो हमने वो जो रेंज मार्क की मॉर्निंग सेशन की और सिग्नल कलर बनाया और हम सेल कर सकते थे, लेकिन जो मॉर्निंग सेशन का ट्रेड था जो उसने पीडीएच पे दो तीन बार रिटेस्ट किया, क्या वो ट्रेड सही था या फिर क्या उसको समझ में नहीं आ रहा है? मैं अपना व्यू बताता हूँ इस पर। हाँ पांच मिनट में हमने हम स्टार्टिंग से देखना शुरू करते हैं। अगर मंथली में सबसे पहले जाएंगे तो मंथली में अगर आप देखोगे तो पिछले मंथ से ही अगर आप देख लें तो ये उसके अंदर ही अंदर रेंज में है फिलहाल, ठीक है। तो ये नेगेटिव है लेकिन साइडवेज है ना, ब्रेकडाउन की कगार पे है लेकिन अभी हुआ नहीं। वीकली में चले जाएंगे, वीकली में अगर आप देखो इसको 10 जनवरी के बाद ये थोड़ा सा ब्रेकआउट किया, 24 जनवरी को ब्रेकआउट करा, उसके बाद ये नीचे आ गया और इसने 31 जनवरी और 7 फरवरी को ब्रेक डाउन दिया है। अभी अगर जस्ट पीछे के हफ्ते से इससे बात करें 14 फेब से, तो ये अभी उसके फिर अगेन नेगेटिव है लेकिन साइडवेज है, ठीक है। फिर अगर हम इसको डेली में कंपेयर कर लेंगे, एक सेकंड क्या खुल गया, हाँ जी डेली में ये आज खुला है, गैप अप खुला है और वापस देखिए कल की कैंडल से फिर अंदर घुस गया इसके, ठीक है। अब मतलब बहुत ज्यादा इसमें ट्रेंड वाला तो मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर रेंज के टारगेट के हिसाब से अगर हम पांच मिनट पे आते हैं तो, लेकिन ट्रेंड तो नेगेटिव है सर, मानेंगे सर इसके लिए? जी 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 है तो डाउन में, लेकिन वही है कि क्लियर कट ऐसा नहीं है कि वन डायरेक्शनल चला जाए, मैं ऐसा इसको एटलीस्ट नहीं देख रहा हूँ कि ये एक साइड। जैसे अगर आप डेली में देखोगे ना तो 31 जनवरी से लेकर ये लगातार डेली रोज फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है, सॉरी ब्रेकडाउन दे रहा है और ये आया 14th फेब तक। इनफैक्ट ये आपका, हाँ ये कौन सा है? बाटा सर। ऐसे वाले मूवमेंट को ट्रेंड कहते हैं, राइट? हाँ जी हाँ जी, एटलीस्ट ऐसा हो ना कि रोज ब्रेकआउट दे, या पिछली एक एक रेंज बाउंड का मतलब ये है कि एक ऊपर की साइड की एक रेंज आ गई और एक नीचे साइड की रेंज आ गई, उसी के अंदर या आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो जैसे सर ने बताया वो अनफेयर लो और हाई होता रहेगा। ब्रेकआउट का मतलब लेट से, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, लेट से 100 रुपए के आसपास आपकी अपर साइड की रेंज है, वो ब्रेकआउट कर गया 105 पहुंच गया, 106 पहुंच गया, अब 100 का 100.25, 101.1 ऐसे करके रहेगा, तो वो अनफेयर हाई लो के आसपास ही है, मतलब क्लियर कट नहीं है, मतलब देख के ही नहीं पता लगता कि ये ऊपर जा रहा है, बिल्कुल वर्ज पे है। अगर आप अपना माउस को होवर करके ले जाओगे उसपे तो ऑलमोस्ट आसपास के लेवल पे दिखाएगा उसको, एटलीस्ट मैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में कंसिडर नहीं करता, क्लियर कट जाता हुआ दिखे तब बात बने। राइट सर, राइट। अच्छा अभी पांच मिनट वाले पे जो आप एंट्री की बात कर रहे थे, तो सर का एक जैसे पढ़ा है ना, ये रेंज में ट्रैवल करता हुआ गया ऊपर, ठीक है, इस पे रीटेस्ट करना था, रीटेस्ट ये 10:35, 10:40 के आसपास कर भी रहा है, लेकिन फिर इसके बाद इसने कोई सिग्नल कैंडल नहीं बनाई,
ठीक है ना, सिग्नल के अंदर बना लेकिन बेस के अंदर परफेक्ट नहीं है, ऐसा कह सकते हाँ। और ये उसके बाद अगर आप देखेंगे ये बाहर से ट्रैवल करके अंदर आया और इसने बेस कैंडल बनाया 1125 पे, तो ये रीटेस्ट की अगर आप बात कर रहे हो तो हाँ ये मुझे भी ठीक लग रहा है। लेकिन अगर ये पहले वाले की अगर आप बात कर रहे थे 1035 और 1040 के पास, वो मुझे ठीक नहीं लग रहा। विक्रम जी अगर हैं क्लास में तो ज्यादा बता पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। विक्रम जी शायद नहीं लगते हैं। अच्छा अच्छा, तो कोई और भी अपना व्यू रखिए प्लीज, तो पता लगेगा ना कि मैं एक बार अरविंद बोल रहा हूँ। जी जी बताएं जी। ये देखिए 1110 पे इसका एक ट्रेड बन रहा है, 1110 पे डबल टॉप बना रहा है, तो 1110 का जो कैंडल है ब्रेक होने पर ये 1115 पे एक ट्रेड बन जा रहा है अगर मैं सही हूं तो। नहीं नहीं, हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो रिस्टेट किया 3-4 बार कैंडल 5-5 मिनट की जो बनी है वो क्या सही थी या गलत, ये बात कर रहे हैं। इसको कंसीडर कर सकते हैं ट्रेड लेने के लिए या नहीं कर सकते, जो जैसे कि 1035 से लेकर 1055 तक जो कैंडल बनी है 5 कैंडल, वो पीडीएच के पीडीएच में ही वो मतलब उसकी बॉडी मतलब हो रही है। हाँ वही, इसको सही से कंसीडर तो नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं इसमें सॉरी प्रेरणा जी आपको बीच में काट रहा हूँ। ये क्वेश्चन किसने पूछा था? मैंने पूछा था, दिनेश पटेल। सर मैं इस पे डिसाइसिव कमेंट तो नहीं दूंगा, डिसाइसिव कमेंट सर का ही रहेगा, क्योंकि अभी जो मेरे हिसाब से जो मोटिव है ना क्लास का, वो हमारा सबका एनालिसिस टाइप का, एंट्री तो ज्यादा बिल्कुल परफेक्ट वाली तो सर ही इसमें गाइड कर पाएंगे, है ना। तो हम ट्रेंड डिस्कस करते हैं, मेरे ख्याल से वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, सबका एक बार एनालिसिस एक डायरेक्शन में जाने लग जाएगा ना, तो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा कि आप भी सेम टाइम पे यही सोच रहे हो कि ये अब यहाँ से नीचे जाएगा और मैं भी वही सोच रहा हूँ और बाकी सब भी यही सोच रहे हैं, तो एनालिसिस एक पेज पे आ जाएगा, तब ज्यादा मजा आएगा। एंट्री तो सर ने जो सिखाई है वो तो आज नहीं तो कल आई जाएंगी। सही बोल मैडम, इसका ना 1896 पे एक रेजिस्टेंस था। कितने पे? 1896 पे रेजिस्टेंस था, जो मैंने चार्ट पे मेरा भी व्यू इस पे था कि बाय ऑन डिप्स था। हाँ 1896 से लेकर मेरा भी इसमें मैंने एक जोन बनाया हुआ है। लेकिन मेरा ओवरऑल व्यू इस पे बाय ऑन डिप्स था, क्योंकि मैं बोलता हूँ अब डेली पे जाओगे ना, मंथली में डेली पे बोलता हूँ आपको। मैंने स्टेपर लाइन ड्रॉ किया था इस पे 31 January 2022 से। 31 January 2022 से जो कैंडल है 15 February 2022, जो उस कैंडल ने इसको स्टेपर लाइन को ब्रेक किया था। एक सेकंड, 31 January 2022 से स्टेपर लाइन ड्रॉ किया था नीचे के कैंडल ये करके हाई में मिला के नीचे, और वो ब्रेक हुआ था 15 February 2022 को। हेलो ओके के बाद एक लोअर हाई बना है, वो बना है 22 February को। क्या बना है सर? 22 February को देखा गया ना, एक लोअर हाई बना है डेली पे, एक कैंडल जो कल की थी शायद। तो मेरा कल व्यू बना था, ये दो स्विंग मिला के मैंने एक बनाया था, वो सोचा था कि इसके बाद अगर स्विंग आएगा तो बाइंग में जाएंगे, इसलिए बाय ऑन डिप्स था मेरा, ये मेरा व्यू है। लेकिन हाँ जी ठीक है, अगर आप 15 फरवरी से इसको कंपेयर करके देखेंगे ना, तो 16 फरवरी को ये ब्रेकआउट कर गया, 17 फरवरी को फिर घुस गया उसकी रेंज में, 18 फरवरी को फिर सेम रेंज में रहा, राइट, 21 फरवरी को फिर ये थोड़ा सा ब्रेकआउट सॉरी ब्रेकडाउन किया,
और 22 फरवरी को देखोगे आप तो 15 फरवरी की रेंज में फिर घुस गया है, फिर घुस गया तो ये एटलीस्ट मेरे लिए तो है डाउन की तरफ, लेकिन मुझे साइडवेज जाता हुआ ज्यादा दिख रहा है, मतलब क्लियर कट मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि ये अच्छा एक तरफ का डायरेक्शनल मूव दे देगा, मतलब समझ रहे हो। मेरा पॉइंट ऑफ ये है कि अगर मैं किसी चीज में घुसूं तो ऐसा ना हो ना कि मैं स्क्रीन में अपना सर लगा के बैठा रहा हूं, सर में दर्द हो जाएगा यार ऐसे तो। हाँ, राइट राइट, ऊपर नीचे वो रुलाता रहेगा, डायरेक्शनल मूव तो देगा ही नहीं, फिर क्या मजा आएगा उसमें। अभी जिन्होंने डिस्कशन किया था बस वो यही बोलना था कि 1896 पे जो रेजिस्टेंस था इसकी वजह से वो वहां पे कैंडल बन रहे थे, ये मेरा भी है। हाँ हाँ, वो जोन मैंने भी बनाया हुआ है, वो 1896 से लेकर 1915 तक का मेरा भी एक जोन है वो। हाँ, तो रीजन तो वही लग रहा है कि इसकी वजह से छोटे छोटे कैंडल वहां पे बने और ब्रेक हो गया अभी बीच में। और ये अगर आप देखोगे नीचे की तरफ 1780 के आसपास आके ना ये काफी बार रिएक्ट कर चुका है, 1780 पॉइंट समथिंग के अगर आसपास देखोगे या 1786 ये बार बार आके उसको कई बार टेस्ट कर चुका है, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 6-7 बार इसको टच कर चुका है डेली 1820 तक। हाँ, 1793 से लेकर 1780 के आसपास नीचे की तरफ बात करूं सपोर्ट की। हाँ, ये काफी बार इसको रिएक्ट कर चुका है, तो यहाँ पर इसको देखना पड़ेगा जी। ये जो ज्यादा से ज्यादा जो कैंडल है वन डे का 1790 से और 1820 ये जो प्राइस है इसके अंदर देखिए बहुत सारे कैंडल है, तो ये के सपोर्ट जोन बना गए 1820 ना। हाँ, डेली में देखिए 1820 अब ये। हाँ जी हाँ जी, ये यही बात कर रहा हूँ मैं, ये सपोर्ट है ना, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये बार बार इसको टच करता है के। तो ये जो कैंडल है वो फेब्रुवरी 14 फरवरी तो ये स्विंग का लास्ट लो है, तो जब आया तो वो उस वक्त हम लोगों का व्यू क्या होगा, बाय ऑन डिप्स होगा। हाँ, सपोर्ट टच करेगा, सपोर्ट पे आ जाएगा तो उसको व्यू तो हम ऐसे ही लेंगे, बाय ऑन डिप्स ही लेंगे, क्योंकि वहां से हायर प्रोबेबिलिटी है। देखो एकदम परफेक्ट तो नहीं कह सकते कि यहाँ से ये बिल्कुल गिर ही जाएगा, है ना। जी जी, तो हायर प्रोबेबिलिटी तो यही बनी कि ये अगर सपोर्ट के जोन में हिट कर रहा है और बार बार हिट कर रहा है तो हायर प्रोबेबिलिटी तो यही है कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा। और जैसे सर कहते हैं कि इसमें अगर ऑर्डर अभी और बचे होंगे तो एक बार नीचे आके फिर इसको टेस्ट करेगा और फिर ऊपर जाएगा। और ये जो और अगर इसके नीचे की अगर मैं पीछे का डेटा देखूं, पीछे का और कहां सपोर्ट बन रहा है, तो 1736-40 के आसपास इसका ये सपोर्ट है। और डायनेमिक की अगर मैं बात करूं तो हाँ वही 1840-50 के आसपास। जी जी, ये न्यूज का बेसिस जब मार्केट चलता है ना कोई गारंटी नहीं मार्केट में, ज्यादा वोलेटाइल होता है उस टाइम पे। मैं हो सकता है गलत हूँ इसमें, न्यूज का ना आप कभी भी प्रीवियस हिस्टोरिक अगर डेटा उठा के देखोगे तो जो भी लोग पैसा पंप या डंप कर रहे हैं ना मार्केट में, ये खुलेआम तो खैर क्या ही डालेंगे, ये जितना मुझे समझ में आता है ये किसी न्यूज का सहारा लेके डालते हैं जी। आप कभी भी नोटिस करना हर डाउन ट्रेंड या हर एकदम जब 90 डिग्री से खड़ा होने लग जाता है पीछे कुछ ना कुछ न्यूज डाली हुई होती है। ये बाकी तो परफेक्ट तो सर ही बता सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है ना ये सहारा लेके बीच में डाल देते हैं पैसे, खुलेआम तो नहीं डाल रहे हैं वो, लेकिन वो सहारा ले ले गया। अब ये रशिया और यूक्रेन का आ गया, इस पे लोग खूब इसको डंप कर रहे हैं, यूएस का तो सारा मार्केट ही लाल हो रखा है इस टाइम। अलग जी, ये जी सर, हम अलग जी
ये दो घंटा में, 2 hours में, जी सर 2 hours में अगर हम ये जो सपोर्ट हम लोग देखा कि नियर अबाउट 1790 ये जो है, तो इसका लास्ट कैंडल बन रहा है 2 hours का 14 February 3:15 में। एक सेकंड में 2 hours में चला जाऊं पहले। हाँ प्लीज प्लीज। इसमें 14 February को 3:15 की कैंडल कह रहे हो आप? जी वो जो इंडिविजुअल कैंडल है। हाँ तो वो जो कैंडल है, तो जब ऊपर से नीचे तक इतना तक आया तब तो व्यू सेलोन राइज ही था। यहाँ से चेंज हो गया आप ये कह रहे हो? यहाँ से हाँ हम वही बोल रहे हैं कि ये जो कैंडल बन रहा है दो तीन कैंडल, तो हम बाय ऑन डिप्स इधर से ही 2 या 3 कैंडल बनने से ही ये हम पकड़ेंगे या कुछ ज्यादा लगेगा? मैं समझ गया। अच्छा आप ये कह रहे हो कि 3:15 जब ये क्लोज हो गया इसके बाद ये इसके बाद इसने जो ग्रीन कैंडल बड़ी बड़ी बनाई है, इसको देख के तो सेल ऑन राइस था, अभी तो बाय ऑन डिप्स कहां से पकड़ना है? परफेक्ट तो सर देखो कई सारी ऐसी स्क्रिप्टें हैं, स्पेशली जो ये कौन सी कल डिस्कस कर रहे थे हम, बजाज फाइनेंस या बजाज ऑटो, ऐसी को जो 7-8 हज़ार रुपए की, ये ऐसी स्क्रिप्टें ना जब ब्रेकआउट की कगार पे होती हैं तब इनको रडार में रखिए, और मैं रखता हूँ इनको, और ये जब देता है ना जिस दिन ब्रेकआउट देगा वो पकड़ में आता ही नहीं, क्योंकि इसमें इतनी 100-200 रुपए का इतना शार्प मूवमेंट आता है ना, वो पकड़ में ही नहीं आता। तो फिर ऐसे में क्या करना है कि वो एक बार ब्रेकआउट कर गया तब वो ट्रेंड में आ गया तब उसको पकड़े, चलती हुई मार्केट में वो पकड़ में आता ही नहीं है, भाग जाता है वो एकदम से। वो ही तो इसको कैसे ट्रेड किया जाए? अब ये तो सर सही बताऊं तो मुझे भी नहीं पता, ये सर ही बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन ये था कि जो वहां से मूव हुआ तो कैसे पकड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक स्टडी किया था ना हम लोग ने अभी कि 10-15 कैंडल थी जैसे एक ही लेवल से रिवर्स हो रही थी, एक रेंज में जरी थी, वो उसी लेवल से, जैसे मेरे यहाँ पे मैंने 1808 डाल के रखा है, वहां से वो कैंडल जो बात कर रहे हैं ना, वहां से वो इंडिसेस कैंडल बैठी और वो रिवर्स हो चुका, तो वो पे मेजर सपोर्ट था जो बहुत पीछे भी 15 कैंडल ने रिस्पेक्ट किया था उसको, तो पर्टिकुलरली इस चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, कहाँ से करेंगे तो ऑब्वियसली स्टडी की बात है और प्राइस बिहेवियर की बात है, लेकिन पर्टिकुलरली इस चार्ट के बारे में ये सेम लेवल बाय जब 21 December 2 hours में होंगे सर ना, December में जो 15-16 दिन जो रिस्पेक्ट किया था ना लेवल 20 December से 6 जन तक, उसी लेवल से वो प्राइस रिवर्स हुआ है, तो वो एक मेजर सपोर्ट बन के आया था जो असेंडिंग सपोर्ट है, अगर मंथली में देखा तो वीकली में। हाँ वो एक मेजर सपोर्ट है, उसी इसलिए चार्ट इसे बिहेव किया। हाँ तो अगर जैसे ये सपोर्ट जोन हमने पहले से ही मार्क कर रखा है वो आता है, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आंख मूंद करके घुस जाएं, वहां से मतलब अपना अलर्ट हो गए कि यहाँ से इसको अब देखना है कि ये हायर प्रोबेबिलिटी तो यही है कि हमारे हिसाब से हमारा कन्विक्शन ये कहता है ये ऊपर जाना चाहिए, उसको देख रहे हैं अब जैसे ही वो ब्रेकआउट दे रहा है तब तो पकड़ में आता नहीं, लेकिन वो ट्रेंड जब उसका चेंज हो गया तो चलते हुए ट्रेंड में उसके अंदर हम राइड कर सकते हैं, जब भी वो हल्का सा नीचे आएगा उसको बाय कर लेंगे, ऊपर जाएगा, बाय ऑन डिप्स का ये यही मतलब है, चलता हुआ ट्रेंड है, ट्रेंड ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं कि कंसोलिडेट कर रहा है, कभी ब्रेकआउट कर दिया कभी ब्रेक डाउन कर दिया, एक दिन ऊपर गया दूसरे दिन फिर नीचे घुस गया फिर थोड़ा घूमता रहा, क्लियर कट ऊपर जाता हुआ जब दिख रहा है तब उसमें राइड करने के लिए कह रहे हैं सर, ऐसा ढूंढना है 26 जो भी है उसमें से ऐसा 1, 2, 3, 2 मिले कोई दिक्कत नहीं, 2 में ही कर लेंगे ना। हम बोल रहे कि इसमें अगर 2 आवर्स का हायर है हायर लो बने तब क्या हम लोग स्टेप ले सकते हैं? नहीं नहीं आप शायद थोड़ा सा ना कंफ्यूज कर रहे हो, हायर हाई हायर लो या लोअर लो ये तो बनेगा ही बनेगा, प्राइस तो ऐसे ही चल रहा है ना, इसके बिना तो वो चलेगा ही नहीं, मतलब प्राइस तो अपने हिसाब से चल रहा है, ये कैंडल हमें बस बता रही है कि ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसको देख के हम अपना व्यू बना सकते हैं बस,
लेकिन डिसीजन हमें अपने हिसाब से ही लेना है कि अगर ओवरऑल निफ्टी प्लस है, हमारा ट्रेंड प्लस है और ये ब्रेकआउट भी कर चुका है, ये दो तीन पैरामीटर मैंने अपने सेट कर रखे हैं कि ये तीनों अगर फुलफिल हो रहे हैं तब मैं देखूंगा उसमें कि ये बाय ऑन डिप्स, जैसी लो आएगा मैं अलर्ट बैठा हूं, मेरे सारी प्री रिक्विजिट जितनी है वो मीट हो चुकी है, अब मैं इसमें घुसने के लिए रेडी बैठा हूं, मैंने कैलकुलेट कर लिया 0.10 इसका अगर हाई है तो इतना जाता है, ये सब मैं करके बैठा हूं, जैसे ही मुझे वो मूवमेंट दिखेगा मैं घुस जाऊंगा। ठीक अब मेरे प्री रिक्विजिट मीट नहीं हो रहे, लेट्स से स्क्रिप्ट तो ट्रेंडिंग है और वेव भी उसमें चल रही है ऊपर, लेकिन निफ्टी पूरा का पूरा नीचे जा रहा है, कई सारे स्टॉक ऐसे हैं जो निफ्टी को डायरेक्ट रेप्लीकेट करते हैं, मिरर इमेज टाइप की बनाते हैं, HDFC उसमें से नहीं है जो एटलीस्ट मुझे दिख रहा है कई दिनों से, HDFC काफी पावरफुल दिखता है मेरे को, वो निफ्टी अगर प्लस भी जा रहा है उसको अगर नीचे जाना होगा वो नीचे जा ही रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। आलोक जी, आप जो वो 2 आवर्स में जो अब जो ट्रेडिंग पकड़ते हैं तो वो आप कैसे पकड़ते हैं, ये थोड़ा अगर बताएं। देखिए सर, 2 आवर्स में भी सर ने बताया है कि आप देखिए इनडिसीजन कैंडल, इनडिसीजन कैंडल का मतलब जहां पर प्राइस जो सेलर और बायर ना बैलेंस है, बायर भी बराबर है सेलर भी बराबर है, इसका मतलब क्या होता है, प्राइस यहाँ पर आके इस लेवल पे आके रुक रहा है, ऐसा बार 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 देखना है कि ऐसा कौन से लेवल पे बार बार जाके अटक जाता है जी, है ना जी। अब कई बार लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि ये बिल्कुल मार्केट के एंड में ज्यादातर ऐसा रुक जाता जाके, लेकिन वो जब आप उसको जूम इन जूम आउट करके देखोगे ना थोड़ा आइडिया लगने लग जाएगा कि इस लेवल के आसपास ये रुकता है जाके, तो 2 आवर्स का ट्रेंड समझने का मतलब यही है, जो जोन में मार्क करता हूँ वो मोस्टली 2 आवर्स और डेली का करता हूँ, क्योंकि वीकली और मंथली के मैं जोन मार्क कर लेता हूँ, लेकिन मैं उसमें ना बहुत छोटी सी लाइन खींच के रखता हूँ, जिससे क्योंकि जब आप चार्ट को 5 मिनट में करते हैं ना तो बहुत बड़े बड़े ग्रीन और रेड बॉक्सेस बन जाते हैं, वो सब कंफ्यूज करता है, चार्ट क्लीन सेटअप दिखता नहीं है, तो मैं 2 आवर में ज्यादा बनाता हूँ और डेली में बना के रख लेता हूँ, वीकली और मंथली का मैं सपोर्ट ध्यान में रखता हूँ, बीच बीच में मैं जाता रहता हूँ मंथली और डेली पे कि ये उसके सपोर्ट के आसपास आ नहीं रहा है, क्योंकि अभी इतना परफेक्ट नहीं हुआ ना कि दिमाग में प्राइस हर स्क्रिप्ट का घूमता रहे। तो मतलब आप वो 2 आवर्स का वो ब्रेक का टॉप या बॉटम में ही आप ये ले लेते हैं ना, 1 डे का एंट्री करने के लिए? हाँ एंट्री तो सर हम अपने हिसाब से ही करेंगे ना, अगर हमारा व्यू सेल ऑन राइज है, मार्केट भी गिर रहा है, स्क्रिप्ट भी गिर रही है और हमारा व्यू भी सेल ऑन राइज है, तो हम लेवल अपने बना के रखे हुए हैं, हमने पिछले दिन एनालिसिस करके रख लिया, उसके आसपास कहीं अपने आता हुआ दिखता है ऊपर गया वो और हमारा व्यू ही नेगेटिव है तो हम उसको चढ़ जाएंगे उसके ऊपर, अगर हमारा प्री रिक्विजिट ही यही है कि हमारा सेल ऑन राइज मीट नहीं हो रहा, मार्केट बिल्कुल उल्टा चल रहा है, स्क्रिप्ट अलग चल रही है, तो ऐसे में फंसने वाले काम तो मतलब मैं तो खूब अभी कर रहा हूँ ऐसे उल्टे सीधे काम, क्योंकि ऐसे ही सीखेंगे, लेकिन ऐसे करना नहीं है अभी, धीरे धीरे ये चीजें सुधारनी है। आप बहुत अच्छे कर रहे हैं। नहीं मेरे तो सर मैं खूब SL लगवा रहा हूँ, SL लगवाना पैसे कमाने का अभी मोटिव नहीं है ना, पैसे तो देखते हैं जब बनेगा तब बनेगा, अभी दो दो क्वांटिटी से ही लगा हुआ हूँ मैं, लगते हैं ऐसे SL लगने दो, उसमें क्या हो जाएगा, एक जो दिमाग में वो पहले क्या होता था कि खलबली सी मची रहती थी ना कि अरे यार ये ऊपर ना चला जाए, ऊपर जा रहा वो अब इतना कंट्रोल आ गया है कि दिमाग में एटलीस्ट ये है सबकॉन्शियस माइंड में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 8 रुपए का SL है, 2 क्वांटिटी लिए, 16 रुपए ही तो जाएंगे, इससे ऊपर तो नहीं ले जाएगा ना, ठीक से 20 रुपए का SL लगा लिया, 40 से ऊपर तो नहीं चले जाएंगे ना जी, तो वो मेंटालिटी अब चेंज हो चुकी है कि अब वो हार्ट बीट बिल्कुल नहीं बढ़ती, मुझे जा रहा जाने दो कोई बात नहीं। रियली बिहेवियर को पकड़ लिया ना हम लोग। हाँ हाँ वो धीरे धीरे आएगा सर, और धीरे धीरे मुझे तो ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे फाइनेंस और मार्केट वार्केट बिल्कुल जीरो नॉलेज, मैं बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पे भी नहीं था, मेरे को बिल्कुल नहीं आता था ये समझ। आलोक जी ऐसे नहीं है, मैं बोल एक्चुअली ना आप अभी स्टडी में ना ब्लैंक स्लेट लेके आए हैं तो जल्दी कैच कर रहे हैं।
हमने पहले बहुत कचरा भर रखा है पिछले एक दो सालों से, इसको मुश्किल भी है। मे बी दैट इज आल्सो वन मेजर फैक्टर। मेजर फैक्टर अभी हमारे दिमाग में ना, ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर्स पहले भरे हुए थे, वो कचरा निकालने में बहुत मुश्किल हो गई। मैं सर अपना बताऊं तो मैं जब आया था ना, तो सर ने शुरू में बोला हम कोई इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे। मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने यार ये तो इंडिकेटर होता क्या है, मुझे ये नहीं। फिर मैं गया गूगल करने फिर मैंने ढूंढा इंडिकेटर होता क्या है, कि फिर स्टॉक मार्केट में क्या होता है इंडिकेटर, तब मेरे को समझ में आया। अच्छा अच्छा ये समझ रहे हो लेवल कितना ज्यादा गिरा हुआ था, कुछ भी नहीं पता था मुझे। लेकिन अगर पता हो तो प्रॉब्लम क्या होता है पता है, ये इंडिकेटर यहाँ पे क्या बताता, ये इतना सोचने लगता है। जी 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 हाँ, वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट करने का वो ह्यूमन नेचर है, वो कंपेयर कंट्रास्ट तो करेगा इंसान है। ठीक है, चलो बस 12 बज गए। हेलो सर, का वेट कर लेते हैं, सर आने वाले होंगे। हेलो जी। जी सर, एक बार खाली मेरा रिक्वेस्ट है ना कि एक बार डाउ DJI डाउ जोंस उसका डेली का चार्ट और निफ्टी का डेली का चार्ट देखिएगा, तो डाउ जोंस भी अभी तक मैंने चार बार एक ही जगह पे सपोर्ट लिया है, मगर कल जो डाउ जोंस क्लोजिंग देकर गया है वो एकदम पूरा सपोर्ट है। आपका वो है ना अमेरिका वाला DJ30। हाँ, DJI खुल क्यों नहीं रहा यार ये? हाँ खुल गया DJI। हाँ मैंने DJ30 लगा लिया है। हाँ देखिए उसका डेली का, डेली में ना। ओके, डेली में आप उसका देखिए डेली का चार्ट में, एक 19 मई 2021 का लो, 19 मई 2021 वहां पे एक खाली आप चलता है, एक लकीर घिस दीजिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन 19 मई 2021 ना। ओके, अप्रैल में आ गया 19 मई के पास 2021। ठीक है, मैंने खोल दिया। वहां पे जैसे हॉरिजॉन्टल लगाइएगा, उसके बाद आप देखिए एक वहां 19 मई को, दूसरा आप देख लीजिए 18 जून 2021 को, तीसरा ऑलमोस्ट अगर देखिएगा तो जुलाई में भी एक बार, फिर चौथा आपका 20 सितंबर 2021, पांचवा आपका 25 जनवरी 2022, हाँ 24 जनवरी 2022, और छठा कल के डेट में 23 फरवरी 2022। इसी के ठीक सेम जस्ट आप निफ्टी को देखने जाइएगा, निफ्टी भी वही सेम काम की, सेम चीज, सेम पैरेलल लाइन में। तो ये दोनों चार्ट बोलना चाह रहा है कि या तो हम आज ही कंप्लीट करेंगे कि हमको गिरना है कि यहाँ से बाउंस बैक करना है। देखिए थोड़ा बहुत तो जहां तक मुझे समझ में आता है, ये एक दूसरे पे इम्पैक्ट तो रहता ही है। सिंगापुर सॉरी एशियन मार्केट का इम्पैक्ट अपने इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा दिखता भी है, और थोड़ा बहुत तो इन्फ्लुएंस तो है ही है। ऐसा नहीं है कि वो अलग, बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रहा है, हम अलग डायरेक्शन में, इन्फ्लुएंस तो है ही है। अब एक चीज, आप 2-3 दिन 4 दिन का बिहेवियर आप देखने जाइएगा ना, तो 220 से लेके 240-17 ये तीन बार अटेम्प्ट किया, उसको तोड़ा चौथे बार में, और सही है आपका 16,830 के पास वाला है, वो भी देखिएगा पिछला चार बार अटेम्प्ट, तीन बार अटेम्प्ट कर चुका, चौथा बार अब ट्राई होगा। तो वही हम बोल रहे हैं, दोनों का बिहेवियर देखने से जो चलता है डेली चार्ट में, काहे हमको लग रहा है कि ना कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। हाँ परफेक्ट लेवल क्या करने वाला है सुरेंद्र जी, कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। क्या करने वाला है, कौन सी स्क्रिप्ट करने वाले हैं सर, निफ्टी और डॉ जोन्स?
अच्छा निफ्टी और डाउ जोन्स, ठीक है, दोनों का डेली का चार्ट। तो आप ये चार्ट की बात कर रहे हो या फिर आप न्यूज की बात कर रहे हो? नहीं न्यूज नहीं सर, चार्ट की बात कर रहा हूं। अब मैं आपको आपको दो चीजें बताता हूँ, ठीक है जी सर। इंटरनेशनल मार्केट पूरे वर्ल्ड के मार्केट को अफेक्ट करता है, ये सबको पता है, ठीक है, लेकिन ये हर एक चीज न्यूज फॉलो करने की जरूरत नहीं, आपको चार्ट पे देखनी है, अंडरस्टैंड जी सर। एक बात तो ये होगी, दूसरी बात ये होगी कि इंटरनेशनल मार्केट का डोमेस्टिक मार्केट पे कोई फर्क नहीं पड़ता जब इन आपके डोमेस्टिक फैक्टर मजबूत हो। समझ आ रहा है क्या करो? यस। तो न्यूज देखना है, चार्ट देखना है, न्यूज की बात नहीं, परसेप्शन नहीं बनाना है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, परसेप्शन नहीं बनाना है। कोई जरूरी नहीं कि यूएस मार्केट का जो मार्केट डाउन है और इंडियन मार्केट भी डाउन होगा, कोई कंपलसरी नहीं, कोई कंपलसरी नहीं। इंडियन स्टॉक मार्केट खूब गिरा और यूएस मार्केट गिरेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ये मैक्सिमम पे मीन 70% टाइम ऐसा होता है कि वो इंटरनेशनली इफेक्ट करता है, बट मार्केट चार्ट क्या करा है? अगर प्राइस आपका गैप डाउन ओपन हुआ, जैसे कल जैसे गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन चार्ट नहीं कर रहा, चार्ट नहीं बोल रहा है कि क्लोजिंग डिपेंड करेगी इसकी प्राइस नीचे जाए। आज ने चार्ट ने नहीं बोला कि प्राइस नीचे जाएगा, चार्ट बोल रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, तो गया ना निफ्टी ऊपर। जी जी जी। जब तक 17052 के ऊपर है तब तक निफ्टी एवरी डिप इज बाय अपॉर्चुनिटी है, तो इंटरनेशनल मार्केट से अफेक्ट करता है, ठीक है। तो हमें चार्ट पे देखना, वो अफेक्ट किस पे देखना है? चार्ट पे। चार्ट पे क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक जो फैक्टर होते हैं, ठीक है, कभी यूएस के मजबूत हो गए, कभी इंडिया के मजबूत हो गए। इंडिया भी एक इंडिपेंडेंट नेशन है ना? यस सर। तो उसके अपने डोमेस्टिक फैक्टर होंगे और आपके यूएस के अपने डोमेस्टिक फैक्टर होंगे, और आप यूके के देखोगे अलग डोमेस्टिक फैक्टर होंगे, रशिया के अलग डोमेस्टिक फैक्टर है। मगर सर ड्यूल कंफर्मेशन तो एक होता है ना सर? हमेशा नहीं होगा ना ये? यस सर, हमेशा नहीं होगा, मगर कभी कभी ड्यूल कंफर्मेशन, जैसे कभी कभी के चक्कर दोनों का चार्ट भी बोल रहा है और न्यूज भी, न्यूज का भी इंपैक्ट। नहीं नहीं, न्यूज तो देखना ही नहीं है ना, आप फिर न्यूज पे आ गए। न्यूज तो डिस्काउंटेड होती है। रशिया न्यूज, रशिया यूक्रेन वाला कितना चल रहा है? रशिया ने तो इंडिपेंडेंट नेशन ने, जो दो वहां पे जगह है, जो स्टेट मतलब आपकी यूक्रेन की जगह है, उनको इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया। मार्केट तो नहीं गिरा 1000-2000 पॉइंट, गिरना चाहिए ना? यस सर। न्यूज नहीं, न्यूज कुछ नहीं है, न्यूज चार्ट पे डिस्काउंटेड होती है। न्यूज की वजह से मार्केट शॉर्टर टाइम पे गिरे, थोड़े टाइम पे गिरे, एक दिन दो दिन या एक घंटे दो घंटे के लिए मार्केट नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, बाद में जाके वो वीक ही बन जाएगा, या फिर वो कैंडल ग्रीन हो जाएगी या फिर वो कैंडल रेड हो जाएगी। न्यूज की वजह से मार्केट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूज की वजह से मार्केट डिस्काउंटेड होती है। न्यूज डिस्काउंटेड होती है, न्यूज देखना नहीं है आपको, न्यूज कभी नहीं देखना है आपको। क्या देखना है? चार्ट क्या कर रहा है, जो चार्ट कर रहा है वो सच है। क्यों? क्योंकि प्राइस चलता है पैसे से, न्यूज से नहीं चलता। थोड़ी देर बाद प्राइस अपनी, जब प्राइस आपका न्यूज की वजह से ऊपर या नीचे हो जाएगा, तो थोड़ी देर बाद आपका प्राइस क्या आ जाएगा? अपनी ओरिजिनल सिचुएशन पे आ जाएगा, और उसके बाद डिसाइड होगा कि प्राइस गिरना है या बढ़ना है, ठीक है। चार्ट देखना है, मतलब डाउ जोन्स का देखो, कोई बात नहीं, आप अलाइन करके रखो, बट आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। निफ्टी के 10 स्टॉक क्या कर रहे हैं? सपोर्ट क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं? अभी की बात नहीं कर, अभी की बात नहीं कर रहा यार मैं, मतलब जो निफ्टी के मेजर स्टॉक है, निफ्टी के मेजोरिटी ऑफ स्टॉक क्या है? बाय ऑन डिप्स है या फिर सेल ऑन राइज है या फिर साइडवेज है, निफ्टी वैसे ही चलेगा। जी जी, सिंपल ही है, न्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूज डिस्काउंटेड होती है। तो आपका यूएस के मार्केट से या इंटरनेशनल मार्केट से इंडियन स्टॉक मार्केट अफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन अगर आपको दिख रहा कि वो अफेक्ट करेगा और चार्ट पे दिख रहा है वो अफेक्ट नहीं करेगा, तो नहीं करेगा। चार्ट कह रहा कि करेगा तो करेगा, चार्ट कह रहा नहीं करेगा तो नहीं करेगा। अब वो न्यूज किसी काम की नहीं, जो चार्ट कह रहा है वो सही है। क्यों? क्योंकि प्राइस पैटर्न, प्राइस बिहेवियर चार्ट पे दिखता है, न्यूज से नहीं दिखता। समझ में आया? ओके सर। इसको मत मिसपरसेप्शन मत फैलाओ और गलत राय मत दो अपने किसी को भी। नहीं, राय नहीं दे रहे सर, हम ये खाली देखने के लिए बोले थे, और कुछ नहीं। राय नहीं दे रहे, ये गलत तरीका है ना जो आप बता रहे हो, वो गलत तरीका है। बाकी लोग भी अपने दिमाग में बैठा लेंगे, तो मैं आप लोगों को सुनता रहता हूँ कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, ठीक है। जहाँ पे जो गलत होता है उसको सिखाना तो मोटिव है ना, उसको गलत रास्ते पे नहीं ले जाएंगे। अब सुबह जैसे उन्होंने बोल दिया कि निफ्टी गिरेगा, गिर रहा है, निफ्टी गिरने वाला है, तो भाई कैसे गिरने वाला है? मुझे तो समझ में नहीं आया, निफ्टी तो बढ़ने वाला है, तो नहीं गिरा निफ्टी। अब ठीक है, यूएस स्टॉक वर्ल्ड के सारे मार्केट से, सारे मार्केट ही अफेक्ट होते हैं, वर्ल्ड तो एक दूसरे से कनेक्ट है ना, पैरेलली कनेक्ट है सारे मार्केट, ठीक है। लेकिन अगर डोमेस्टिक फैक्टर इंडिया के मजबूत है,
वो न्यूज पे नहीं दिखेगा, वो चार्ट से दिखेगा। तो यूएस का स्टॉक मार्केट गिरता रहे, कुछ भी होता रहे, इंडियन स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाएगा तो जाएगा ही जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। यस, फर्क पड़ता है, ठीक है, कि आप एक दिन पहले आप इंटरनेशनल मार्केट देख लो, ये देख लो, फिर आपको क्या है वो हैबिट पड़ जाएगी न्यूज वाली, ठीक है, फिर आप परसेप्शन बनाने लग जाओगे, फिर आप तुक्के लगाने लग जाओगे कि ये परसेप्शन हो गया कि यूएस का गिर रहा है तो कल इंडियन मार्केट भी गिरेगा यहाँ के, तो फिर आपके परफेक्ट लेवल्स नहीं आएंगे कि आपको कौन से लेवल पे बाई करना है, कौन से लेवल पे सेल करना है, ठीक है। बट हमारा चार्ट क्या कर रहा है, हमारा तुम चाहे किसी डाउ जोन्स को या किसी भी नजदा को, किसी को मत देखो, मैं क्या करूँ, किसी को मत देखो, तुम एक बार निफ्टी का चार्ट देखो, उस स्टॉक्स का चार्ट देखो, मंथली वीकली को अलाइन करो, और उसके बाद देखो अगर वो तुम्हारा यूएस कहीं भी जा रहा होगा, तुम्हारा निफ्टी जैसा एनालिसिस करोगे वैसे ही चलेगा। तो सिंपल क्या है, ओवर एनालिसिस या सिंपल एनालिसिस? सिंपल, हाँ ठीक है, देखना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा इंटरनेशनल मार्केट को नहीं देखना चाहिए, आप लिमिटेड न्यूज भी देखिए, मार्केट अपने आप को अपग्रेड करिए, अपने आप को अपडेट रखिए, मैं ये नहीं कह रहा मत रखिए, अपडेट रखिए, लेकिन उस अपडेट में अपने आप को कंफ्यूजन में क्रिएट कर, मीन्स आप एनालिसिस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, आप फंडामेंटल कर रहे हो, टेक्निकल कर रहे हो, अभी जो कि यहाँ पे कर रहे हो टेक्निकल, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, टेक्निकल एनालिसिस, हाँ बस चार्ट देखो मजे करो, और चार्ट जो कह रहा वो करो, आपकी स्ट्रेंथ वही है जी सर, बस यही करना, थैंक यू सर, हाँ थैंक यू, इसलिए बीच बीच में मुझे टोकना पड़ता है कि कौन क्या क्या ज्ञान बांट रहा है, जब ज्यादा ज्ञान बांट जाता है ना वो ज्यादा ज्ञान भी ठीक नहीं रहता है ना। और क्या बढ़ाया इन्होंने मेरे को बताना जरा यार, मैं तो अभी आया जस्ट, जी ने यही बोला था, यही बोला ना, तो आपके लिए क्या है, चार्ट सब कुछ है, प्लेन चार्ट सब कुछ है, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, ओनली प्लेन चार्ट, सब कुछ दिखता है चार्ट पे कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वही फॉलो करना है, चाहे वो कोई वर्ल्ड का मार्केट हो। ठीक है, और क्या डिस्कस किया आपने सर, वो अलग जी के साथ वो 2 hours का ट्रेड वो ही बता रहा है, कौन सा वाला इसका, इसका? बाटा, बाटा, में बाटा, में। बाटा, बाटा में बात कर रहे थे। चलो सूर्यदेव जी आप बताओ, यूएस मार्केट का मतलब नैस्डैक का बाटा, बाटा के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है बताओ सर, बाटा में? नहीं नहीं, नहीं उनसे पूछ रहा हूँ, नैस्डैक का, नैस्डैक या डाउ जोन्स का ट्रेंड क्या है और बाटा का मीडियम टर्म का ट्रेंड क्या है, फटाफट बताओ, अब गायब हो गए क्या, बोलो तो सही यार, मेरे बारे में गायब हो जाते हो, ऐसे तो तुम बहुत नॉलेज देते हो, चले गए पता नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए सर। हाँ भाई सब लोगों को बोलो चार्ट फॉलो करो यार, ये फालतू की चीजें को मत फॉलो करो, चाहे वो यूएस का चार्ट हो, चाहे इंडिया का चार्ट हो, चाहे किसी को, आपकी स्ट्रेंथ ओनली टेक्निकल एनालिसिस, ये फालतू के परसेप्शन मत बनाओ, ठीक है। एसजीएक्स निफ्टी ऊपर है नीचे, ठीक है वो दिखेगा तो मॉर्निंग में मार्केट ऊपर खुल जाएगा, कुछ नहीं, लेकिन मार्केट अपनी ओरिजिनल सिचुएशन थोड़ी देर बाद आ जाएगा तब ट्रेड करना, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, आपका परसेप्शन बन जाएगा ऊपर जा रहा, आप टॉप पे बाई कर लोगे या बॉटम पे सेल कर दोगे, फिर फंस जाओगे, दिक्कत ही है, इसलिए मैं बोला हूँ परसेप्शन नहीं बनाना है, ठीक है। आपको चार्ट पे दिखेगा कि बाई ऑन डिप से या सेल ऑन राइज है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, आपको लग रहा है यार यूएस तो बहुत नेगेटिव है और अगले दिन निफ्टी भी खूब नेगेटिव हो गया और आपने बॉटम पे सेल कर दिया और एसजीएक्स निफ्टी आपका 200 पॉइंट ऊपर है, टॉप पे चला गया, टॉप पे बाय कर लिया, तो ये तो मार्केट की ओरिजिनल सिचुएशन है नहीं ना, किसी भी इंस्टीट्यूशनल का इंटरेस्ट ही नहीं है टॉप पे सेल, टॉप पे बाय और बॉटम पे सेल, ये तो प्राइस बिहेवियर ही नहीं होता, प्राइस बिहेवियर तो ऐसे होता ना, एक पॉजिटिव ट्रेंड और एक नेगेटिव ट्रेंड ऐसे होता है जी, और एक साइडवेज ऐसे होता है, चार्ट देखो, चार्ट, चार्ट जो कहता है वो करो, परसेप्शन मत बनाओ, वो गलत है। और किसी को कुछ कहना है, बोलो तो सही यार, किसी कुछ नहीं बोलने वाला मैं, अभी तबीयत कैसी है सर, अभी भी बोल रहा हूँ, मैं तो घूम घूम के आ रहा हूँ, बीच बीच वॉकिंग करके आ रहा हूँ, हाँ बताओ अरविंद, टाटा स्टील में सर समस्या थोड़ी हो रही थी, टाटा स्टील डिस्कस तो किया था जी जी, उसमें सर सेलेक्ट किए थे हम सेल के लिए, हाँ क्यों सेल के लिए सेलेक्ट किया, 5-6 दिन का ब्रेकआउट हुआ था, हाँ ब्रेकआउट हुआ, इतना गैप डाउन हो गया,
हाँ तो गैप डाउन होने का, ब्रेक डाउन हो जाए, हाँ ठीक है, या तो ब्रेक डाउन हो जाए या ब्रेकआउट हो जाए, तो उस वो नो ट्रेडिंग जोन में चला गया ना। देखो हमारे कौन कौन से लेवल्स है, आप क्या करते हो, मान लो जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपका पॉजिटिव ट्रेंड ऐसे है, ठीक है, तो ये असेंडिंग सपोर्ट हो सकता है, अंडरस्टैंड है जी, नंबर वन चीज, ठीक है। दूसरी चीज, ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपका स्टैटिक सपोर्ट भी हो सकता है, एस लाइन जी जी, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपका डिसेंडिंग रेजिस्टेंस भी हो सकता है, बिल्कुल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपका स्टैटिक रेजिस्टेंस भी हो सकता है, हां जी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपका मार्केट प्रोफाइल भी हो सकता है जी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपका डिमांड एंड सप्लाई भी हो सकता है, हो सकता है ना जी सर, समझ में आ रहा, कौन से टाइम फ्रेम में जी, जी किसी भी टाइम फ्रेम में। अब प्राइस इन हॉरिजॉन्टल लाइन से, मतलब इन लेवल से, कितने बहुत सारे लेवल हो गए ना जी, इन्हीं पे मास्टरी करनी है। अब इनसे दूर कहीं भी चला जाए, जब तक अगेन ऐसे लेवल कोई एक लेवल ना मिले, तब तक प्राइस किस में है, नो ट्रेडिंग। तो ये पहले बोला नहीं क्या मैंने, जी जी बोले, ठीक है, तो जब गैप अप या गैप डाउन होने के बाद प्राइस, जब तक आपका इनमें से किसी एक सपोर्ट के पास या रेजिस्टेंस के पास प्राइस नहीं आए, तब तक क्या, नोटेड, और क्या, यही तो है। अब क्या सवाल है बताओ, कुछ नहीं सर, थैंक यू सर, ये सारा राज यही छुपा हुआ है, कहने का मतलब ये जितने भी, मतलब वर्ल्ड में जितने भी होते हैं, मैं तो सारे सिखा दिया आपको, मैं आपको असेंडिंग डिसेंडिंग स्टैटिक डायनेमिक, आपका असेंडिंग डायनेमिक डिसेंडिंग डायनेमिक, आपका मार्केट प्रोफाइल, आपके डिमांड एंड सप्लाई, इनमें किसी एक के पास तो आएगा जी, जी सर, तब ट्रेड करेंगे, तब तक आप ट्रेडिंग कर रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो, वो ट्रेडिंग नहीं है। इनको एज ए, मतलब इनको या तो एज ए सपोर्ट रिएक्ट करना चाहिए या फिर एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करना चाहिए, और इन लेवल्स पे आपको एंट्री के जो रूल है, 12 टाइप की जो एंट्री है वो आपको आनी चाहिए, इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, शांति से ट्रेड करो, इतना ही तो है मार्केट, इससे कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है काम, मुझे बताओ, मतलब इतना करके, मतलब इतना पेशेंस करके राजी है कौन, थोड़ा सा पेशेंस है ना इसमें, इसमें ज्यादा ज्यादा रॉकेट साइंस है क्या, कि मतलब एक प्रॉपर एजुकेशन लेने, जो जो इसके पार्ट है, मतलब सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने सीख लिए, ठीक है, वो तो ब्रेकआउट सीख लिए, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सीख लिए, रिट्रेसमेंट कैसे मेजर करते हैं वो सीख लिए, ठीक है, उसके बाद हमने हाउ टू ट्रेड, वेयर टू बाय, वेयर टू सेल, वो सीख लिया, फिर उसके बाद क्या सीखने की जरूरत है, ये लेवल ही महत्वपूर्ण है सर, इस पे जब भी आए और जैसे रिएक्ट करे वैसे भी आए, वैसे ही बाय सेल करना ना, उन इनसे दूर है तो वो तो नो ट्रेडिंग जोन है ना, वो आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं है जी, वहां पे इंस्टीट्यूशनल नहीं करते, आप कैसे कर लोगे यार। अब देखो निफ्टी का एक एग्जांपल लेता हूं, निफ्टी आज गैप अप खुला, खुला दो कैंडल के रूल के हिसाब से, मतलब ब्रेकआउट हुआ, जो दो कैंडल का रूल था, इस कैंडल का हाइट टूटा, नहीं तो निफ्टी अच्छा बाय होता ना, अगर ज्यादा स्ट्रेंथ होती तो, ये सर होती, हमारा रूल है ना एंट्री का रूल, ठीक है, अब निफ्टी में यहाँ पे बाइंग नहीं हुई, नहीं हुई ना, अब जब यहाँ पे बाइंग क्यों, बाइंग मतलब इंस्टीट्यूशनल करते हैं, जब इंस्टीट्यूशनल ने ही यहाँ पे बाइंग नहीं किया तो आप कैसे कर सकते हो यहाँ पे टॉप पे बाई, वो तो चार्ट दिखा रहा है ना, अब प्राइस नीचे गिरा अगेन वापस ऊपर गया, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक डबल टॉप बन रहा है, ठीक है, तो नीचे की साइड स्पेस भी है, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो छोटे से टारगेट के लिए, जो कि आपने किया तो आपको पैसा मिल गया, अगेन प्राइस सपोर्ट पे आ गया ना सपोर्ट पे, तो इस सपोर्ट पे जब बाई किया तो प्राइस ने फिर टारगेट दे दिया, तो प्राइस रेंज में चल रहा है। अब इसमें मूवमेंट जो आएगा, जहां तक मुझे लग रहा है आपका मूवमेंट इस पार्ट में आएगा, बी और सी में पार्ट में मूवमेंट आएगा, कल की तरह होगा, आजकल बी और सी में मूवमेंट आ रहा है, ए में नहीं आ रहा है, ए में कंफ्यूज कर रहा है, तो ये पहले तो प्राइस एक्शन होने देना ना, कि प्राइस ऐसे ऊपर गया लेकिन एंट्री नहीं मिली तो वेट करना है, अगेन नीचे जाने जाना, अगेन कहीं ना कहीं तो जाएगा, या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कहीं ना कुछ तो सिम्टम देगा ना, तब एंट्री करनी है। तो किस पे करनी है, जो हमारे जितने भी स्टैटिक डायनेमिक असेंडिंग डिसेंडिंग कोई तो काम आएगा जी, जी बिल्कुल, तो एनालिसिस पहले करके रखना है। अब आप मान लीजिए आपने एनालिसिस करके रखा एक दिन पहले, अब वो स्क्रिप्ट क्या हो गया, वो स्क्रिप्ट में आप, आपको अच्छा ट्रेड कब मिलेगा, आपने एनालिसिस करके रखा कोई स्क्रिप्ट का, पहले दिन आपका
मतलब प्राइस रेंज में था और आपके रडार पे रखा था कोई स्क्रिप्ट, ठीक है, और वो यहाँ पे एंड में यहाँ पे था, क्लोजिंग हुई या यहाँ पे क्लोजिंग हुई, ठीक है जी, समझ में आ गया, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट ट्रेड कौन सा और बेस्ट ट्रेड कौन सा नहीं है। अब इस रेंज के अंदर हो सकता है प्राइस वापस रेंज के अंदर घुस जाए इधर की साइड, इधर की साइड, तो आप फिर इसको अवॉइड कर देंगे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर आपका प्राइस ज्यादा गैप से खुल गया, तो ज्यादा गैप से खुल गया, तो दो दो कैंडल का जो रूल है, उस कैंडल के सेकंड कैंडल के अगर ऊपर हाई सिग्नल कैंडल का टूटता है तो हम लॉन्ग कर लेंगे। अदरवाइज अगर ऐसा सिम्टम हमें नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, तो प्राइस तो नो ट्रेडिंग जोन में जी, एक बार सपोर्ट पे आने देंगे या फिर एटलीस्ट डबल बॉटम बने या गैप डाउन हो गया, या तो सपोर्ट पे आने देंगे या फिर डबल टॉप बने नियर बाई, तब सेल करेंगे, यही तो है ना। तो आपका ये तो ट्रेडिंग जोन है, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। और yes. दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि प्राइस जस्ट पहली 5 मिनट की कैंडल से बाहर निकले, ऐसा भी तो मिलता है जी जी। तो गैप अप गैप डाउन तो आपके लिए क्या है, वो तो आपका नो ट्रेडिंग जोन है, वो तो अवॉइड करना ही है ना, गैप अप गैप डाउन को तो अवॉइड करने, जब आपके प्राइस लेवल पे आ जाएगा तब तक के लिए पेशेंस रखना, लेवल पे आ जाएगा उसके बाद ट्रेड देता ना, मतलब कहने का मतलब हमारे अंदर उतना पेशेंस नहीं है, मार्केट हमेशा एंट्री के लिए, करेक्ट एंट्री के लिए टाइम देता है आपको। मार्केट में ऐसा होता नहीं कि स्क्रिप्ट इधर ऊपर भाग गया या नीचे भाग गया, पहले आपको करेक्ट एंट्री के लिए प्रॉपर आपको बताता है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, करेक्ट एंट्री के लिए आपको टाइम दे दिया। अब होता है क्या कि उस करेक्ट एंट्री तक रुकने का क्या हमारे अंदर पेशेंस है सीखने के बाद भी, बता? रखना पड़ेगा सर, बिना उसके नहीं। हाँ, तो टाटा स्टील को मैंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया क्योंकि आपके सवाल का जवाब तो बेसिक्स है ना, पार्ट वन की जो क्लासेस है वही आपके सवाल का जवाब है। अब आप पार्ट वन सीख के फोकस कहीं और कर रहे हो तो आपके हालात कोई अच्छे नहीं है, आप भी बहुत वर्स्ट कंडीशन में हो, सच बोलो तुम्हें, क्यों? क्योंकि आप वो सवाल पूछ रहे हो, आपको पता ही नहीं स्टैटिक डायनेमिक के पास किसी भी एज सपोर्ट एज रेजिस्टेंस जब तक रिएक्ट ना करे तब तक बाय या सेल नहीं करना, ये तो सिखाया है ना। अगर मैं नहीं सिखाया तो आप बोल सकते हो, तो अरविंद जी आपके हालात नहीं सर सिखाया, आप तो बहुत बुरी कंडीशन में है इस तरीके से। अगर आपका ये सवाल है तो आपको तो बहुत कुछ सीखना है, ट्रेडिंग तो करना ही नहीं है करने का, मतलब जब तक आपको नहीं, अभी नहीं कर रहे हैं सर, अभी तो आप इलिजिबल, अभी तो सर एनालिसिस में इलिजिबल भी नहीं, करके भी क्या करोगे आप, इलिजिबल ही नहीं है उसके लिए। जब तक प्रॉपर एजुकेशन में कोई कमी नहीं, एजुकेशन तो मैं बेस्ट दे रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं करोगे भाई, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर बहुत दिक्कत है। और ऐसा नहीं कि मैं आपके सवालों के भी जवाब नहीं दे रहा, ऐसा तो है ही नहीं ना, आपसे बिना पूछे भी तो बहुत सीख सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। आप में सर कोई कमी नहीं, आप बहुत बेहतर पढ़ा रहे हैं सर, बस हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो इंप्रूव करेंगे। दो दो, दो दो क्वांटिटी प्रैक्टिस करो, 1,000-2,000 रुपए डाल दो वो चले जाए तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन उससे आपको लर्निंग कितनी होगी लाइव मार्केट, पेपर ट्रेड मत करना जी, फिर आपको फिर आपकी लर्निंग नहीं होगी लाइव में, जिसको करना है लाइव मार्केट में करना है, 2,000 रुपए डाल दो, दो दो क्वांटिटी प्रैक्टिस करो, इक्विटी के स्टॉक पर चले गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उससे आपको 2 करोड़ की नॉलेज मिलने वाली है कम से कम। पेपर ट्रेड करोगे कुछ नहीं होने वाला, पेपर ट्रेड से पेपर ट्रेड नहीं करना, जो करना लाइव में करना, बने बनाए चार्ट में कोई फायदा नहीं, ठीक है? तो मिलते हैं सबसे, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, इवनिंग मिलते हैं, थैंक यू सर, नाइस डे सर, थैंक यू, थैंक यू।